तो क्या हो जाएगा परमेश्वर के राज्य में? मकसद अगर खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? चीजें बिगड़ जाएंगी। मकसद का बहुत सही होना जरूरी है। अब हम इसमें कुछ बातों को देखकर फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एक यशायाह 9:14 9:14 इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को खजूर की डालियों और सरकुंडों को एक ही दिन काट डालेगा। यशायाह 9:14 इस कारण, किस कारण? 13 में लिखा है किस कारण? इस कारण तो भी, किस कारण तो भी ये लोग क्या नहीं करते? अपने मारने वाले की ओर न फिरे, न सेनाओं की यहोवा की खोज करते हैं। तो 13 को डालिए, एनिमेश 13 इंग्लिश में लिखा है, तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर न फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण हम एक्चुअली संसार की रीति रिवाजों को पालन करते हुए, संसार के रीति रिवाजों को बड़ा मानते हुए, उसको सच मानते हुए, हम बहुत सारी बातों को जो परमेश्वर की ओर से, बट द पीपल हु आर नॉट रिटर्न टू हिम हु स्ट्रक हिम, एक मिनट को उसमें पढ़ लेते हैं ना, उस मैसेज में क्या बोलता है यहां पर कि सो द लॉर्ड विल कट 13:14 बट द पीपल हैव नॉट रिटर्न टू हिम हु स्ट्रक देम Nor have they sought the Lord Almighty. That's why, so the Lord will cut off from Israel both head and tail. हमने एक बात सुना है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन सिर बनाऊंगा, ठीक है। ये जो पूंछ और सिर दोनों का काट डालूंगा बोला, इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी भी परमेश्वर की ओर से कुछ ताड़ना, ताड़ने का मतलब होता है रिप्रोच, क्या ताड़ने का मतलब होता है आपको सुधारना, ठीक है। कुछ ताड़ना या कुछ और बातें होती है तो हम उसकी ओर जाने के बजाय उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब तकलीफें आती हैं परमेश्वर में होते हुए तो हम उसके नजदीक आने के बजाय हम उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इसको अब 14 में, अभी 13 में जो लिखा, वे क्या करते हैं? जो उन्हें मारा, किसने मारा? हम सोचते हैं शैतान हमें तंग कर रहा है। हमको शैतान तंग नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर अलाउ ना करे या फिर हम खुद अलाउ ना करें। आज्ञा तोड़कर हम अलाउ करते हैं, परमेश्वर को खोजना छोड़कर हम अलाउ करते हैं। We leave seeking the Lord and His righteousness. हम परमेश्वर को और उसके राज्य को खोजना छोड़कर जब रहते हैं तो परमेश्वर अलाउ कर देता है। सेकेंड, हम क्या करते हैं? हम आज्ञा को तोड़कर, मतलब परमेश्वर का विद्रोह करके। आज्ञा तोड़ना मतलब क्या? आज हमारे माइंड में एक चीज आ जाना चाहिए, आज्ञा का तोड़ना मतलब परमेश्वर का विद्रोह।
हम शैतान को तो बड़े उंगली उठा उठा कर बोल देते, उसने विद्रोह किया, परमेश्वर का विद्रोह किया, और हम सेम चीज करते हैं। तू ये न करना। जब करते हैं तो हम विद्रोह करते हैं। When we come against the command, when we come against what Lord has sought for us, when we come against the anointing, anointing का मतलब, मैं वही आज का सब्जेक्ट anointing ही है, ठीक है? What is anointing? इसलिए बार मैंने बताया था, we do not understand anointing because we have come with a tradition in our country by our film industry, stories and religious books and texts and the people. वो को हर एक को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख देख कर कि अभिषेक, anointing मतलब अभिषेक, अभिषेक क्या होता है, तो अभिषेक इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया है कि उसको समझने के लिए हम तैयार नहीं है। हम थोड़ा जड़ तक जाएंगे कि आपको और हमको अभिषेक मिला है, उसका मैं चिन्ह बताऊंगा। चिन्ह बताने के पहले से एक चीज बता देता हूं, अभिषेक करता कौन था, अभिषेक करता कौन है। उस जगह जाकर देखेंगे जहां पर शैमुएल था, शैमुएल नबी था, और क्या हो रहा है, शैमुएल नबी के कारण होने से वहां पर पहला शैमुएल 15:16, फर्स्ट शैमुएल 15:16, पहला शैमुएल 15:16 क्या लिखा उसमें, पहला शैमुएल में 15:16 पहला शैमुएल 15:16 ठीक है, यहां लिखा है, नहीं नहीं 15:16 नहीं, हाँ पहला शैमुएल है 9:15, पहला शैमुएल 9:15, फर्स्ट शैमुएल 9:15। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शैमुएल को यह चिता कर रखा, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामिन के देश से एक पुरुष भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, ठीक है। अब जब उसके आने से पहले, परमेश्वर की योजना पहले से होती है, यह समझ में आता है। अभिषेक अगर आपको मिल रहा है तो परमेश्वर की योजना पहले से होती है, अभी तुरंत, अभी देखकर, सामने देखकर नहीं, पहले से होती है। यहां क्या बोलता है, शाऊल के आने, शाऊल को भी पता ही नहीं है, शाऊल इसी का फायदा झूठे भविष्यवक्ता उठाते हैं। छोटे भविष्यवक्ता कौन, शाऊल के आने से पहले एक दिन पहले यहोवा ने शैमुएल से चिता कर, यह चिता रखा, उसको कहकर रख दिया, देख मैं एक आदमी को तेरे पास भेजूंगा, तो उसका राजा होने का अभिषेक करना। अब 10 में, उसी से पहला शैमुएल 10 में पहला पद में लिखा है, तब शैमुएल एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर डाला और उसे चूमकर कहा, क्या यह इसका कारण यह नहीं कि परमेश्वर ने अपने निज भाग के ऊपर तुझे प्रदान होने को अभिषेक किया है। अब हम जब कुप्पी पर तेल को उंडेलने की बात करते हैं तो हमारे जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं उनकी दिमाग में दौड़ता है कि भैया मैं इसको अभिषेक कर रहा हूं, उसको पावर मिलने वाला है। दे मीन अनॉइंटिंग एज पावर, वेयर एज एनीथिंग। अभी आपको एक ऑफिस में इंटरव्यू हुआ और ऑफिस में आपको
इंटरव्यू में बोला, इंटरव्यू होने के बाद आपका अपॉइंट किया जा रहा है, तो वहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी, भैया तुझे अपॉइंट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये है, ये है, ये है। अब आज हम इसको क्लियरली समझने की कगार पर पहुंच जाएंगे कि अभिषेक जब परमेश्वर बोलता है और जब झूठे भविष्यवक्ता बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर। अब इसको पढ़ लिए, कुप्पी पर तेल निकाला उसके सिर में उंडेला। अब इसको पढ़ने से दिमाग में क्या आता है, दिमाग में आता है सिर में उंडेला, क्या उंडेला, तेल उंडेला। और वहां क्या हो रहा है, देखिए वहां पर यहां क्या बोलता है, 9:27 देखिए, और नगर के सिरे में, अभी वो शामिल आया, उनसे बात किया, शाउल उनसे बात किया, एक दिन रुका और उसको पर उसको बोला कल मैं तुझे बताऊंगा, एक करते 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 शहर से लोग बाहर आ रहे हैं। जैसे शहर से बाहर आ रहे हैं तो नगर के सिरे में उतराई पर चलते चलते शामिल ने शाउल से कहा, अपने सेवक को, अपने उसका एक सेवक भी साथ में था, सेवक को वो आगे बढ़ने की आज्ञा, बढ़ने की आज्ञा दे, उसको बोले तू आगे जा, मैं आ रहा हूं, तू रुक जा, लेकिन तू ठहरे रहना। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं। अब यहां पर एक प्रश्न होता है, भैया ये क्यों नहीं बोला कि मैं तेरे सिर पर तेल उंडेलने वाला हूं, क्या बोलता है, तू ठहरा रह कि मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं। अब राजा बनने वाला है शैमुएल, अभी रास्ते में उसको छोड़ने के लिए जा रहा है, इतनी देर के अंदर में वो परमेश्वर की क्या बात सुनाएगा, कितनी बात, अरे तेरे को फलाने में ऐसा करना, फिर उसके बाद वैसा करना, उसके बाद ये करना। इसको सुनाते सुनाते तो वो 10-20 साल का, 40 साल का, कितने साल को राज्य करेगा, वो सब अभी थोड़ा सुना सकता है, ना उसे बार बार जाके मिल सकता है। जब उसको समझाना पड़ेगा, जब उसको डांटना पड़ेगा, जब उसको सुधारना पड़ेगा या उसको संभालना पड़ेगा, तब ये पहुंचेगा। लेकिन इसको तो एक बड़ी जिम्मेदारी, एक आदमी जिसको राजा क्या होता उस देश में लोगों को पता ही नहीं है, वो आदमी को शैमुएल बोल रहा है कि तू खड़ा रहे, मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। कैसे सुनाता है, क्या सुनाओ, वचन सुनाओ। तब शैमुएल ने कुप्पी में, वचन सुनाओ बोलने के बाद क्या करता है, कुप्पी में तेल निकालता है। और हमारे अंदर में बहुत सारी इंक्लोपीडिया, तेल किसको रिप्रेजेंट करता है, आग किसको रिप्रेजेंट करता है, आत्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, वचन किसको, पानी किसको, ये सब बहुत सारे थीसीस चलकर इतनी आसानी से मूर्ख बन गए हैं कि परमेश्वर की सिंपल सी बातों को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। यहां ये बोलता है क्यों, क्योंकि हम बाइबल में से नहीं, परमेश्वर की आत्मा हमें यहां से निकाल के बताती है और हम दुनिया के ज्ञान के द्वारा से हम चीज को करना चाहते हैं। तो अपने ज्ञान, अपनी बातें अपने तरीके से बताकर परमेश्वर का है बोलकर बैठना एक झूठा विश्वता का काम है। तो यहां क्या बोल रहा है, परंतु तू, मतलब नायन का लास्ट वा, मतलब पहर फर्स्ट शैमुएल 9:27, तो उस बोलता है कि तब तू क्या करना, तू आगे बढ़, उसको अपने इसको बोल देना कि क्या करेंगे, कि उस नौकर को बोल तो आगे चला जा, लेकिन तू क्या करना, तू खड़े रहना, तब तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। कैसे सुनाऊं, तब शैमुएल ने एक कुप्पी तेल निकालकर उसका सिर मुंडेला और उसे चूमकर, क्या इसका कारण यह नहीं, कुप्पी तेल डालने के बाद क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग, मतलब वो इज़राइल की बात कर रहा है, ऐसे ही परमेश्वर अपने अपने जगह में, हर एक पूरा पृथ्वी परमेश्वर, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर का, हर एक जगह में भी वो नियुक्त करता है।
लेकिन ये निचे भाग जो परमेश्वर का जो इज़राइल को उसने माना उसके ऊपर में शाऊल को नियुक्त करने के लिए क्या करने के लिए बोला, अभिषेक करने के लिए बोला। अब क्या होता है इसमें, इसका कारण यह नहीं कि क्या यह नहीं कि यह निज भाग परमेश्वर को प्रधान होने के लिए अभिषेक किया, परमेश्वर ने उस प्रधान होने को 13 अभिषेक किया। अब होगा क्या इससे, इसके ऊपर में परमेश्वर की आत्मा उतरेगी, ठीक है, लेकिन क्या करने के लिए, आगे बताने के लिए कि तेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभिषेक का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ड्यू थिंग्स दैट गॉड हैज डेस्टाइंड फॉर यू एट दिस आवर, एट दिस टाइम। इस वक्त परमेश्वर का अभिषेक आपको यह बताएगा कि आप क्यों चुने गए, आपको क्या करना है और कैसे करना है, और इसके लिए वो अपनी आत्मा के द्वारा जैसे शमूएल से बात कर रहा है राज्य के बारे में, अपने स्वर्ग के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जो भविष्यवक्ता है, लेकिन शाऊल भविष्यवक्ता तो नहीं है लेकिन राज्य जो संसार में उसकी निज भाग है उसके बारे में उससे बात करने वाला है। He is not going to predict something bigger things, but he is going to tell something important, valuable things. अभिषेक आपको अगर मिला है तो आपको एक responsibility मिली है, एक authority मिली है, एक राज्य मिला, एक अधिकार मिला। मैं इसको एक प्रूव करूंगा कैसे करके। तो जैसे ही अभिषेक, मतलब जब कुप्पी तेल डालता है, तो कुप्पी तेल डालने का मतलब क्या था मालूम, अब एक उदाहरण बताता हूं। इसी पहले शमूएल में 9वें अध्याय में 9 को देखिए, पूर्व पहला शमूएल उसी चैप्टर में 9 के 9 को देखिए, पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता था तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। क्या लिखा है, पूर्व काल में दर्शी कहलाता था, आज वो नबी कहलाता है। मतलब देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ दर्शी एंड देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नबी। अब क्या नबी से पूछ सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं, दिस इज द काउंसिल ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, बट उसके ऊपर और उसके अंदर। अब पुराने जमाने में क्या होता था, ये जो दर्शी थे ये इंतजार करते थे परमेश्वर का वचन के उतरने का, और जैसी उतरता तब वो सामने वाले को बोलते थे, ये दर्शी का काम। अब नबी जो आजकल अभी उस शमूएल के समय और उसके बाद के समय में क्या था, उस समय शमूएल को क्या बोलते होंगे, दर्शी, दो दर्शन देखता है, जो सोता है दर्शन देखता, बैठता है आंख बंद करता दर्शन देखता। आजकल भी बाबा लोग के पास जाते तो मैं देख रहा हूं, वो भी देखते हैं। Everyone has got its own source of spirit which will tell according to their potential, according to their power, according to their limitation, and they can even, which is not the spirit of God and which is the spirit of this world or Satan or something else, can also tell. I am not telling about prediction, I am telling about to tell what is asked for. Abhi Shaul jo tha ye nabi ke paas kaise aaya, wahan par kya likha hai, मैंने फिर से उसको याद दिला देता हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आजकल नबी कहलाता पूर्व काल में क्या कहलाता था, दर्शी कहलाता था, ठीक है, यहां हो गया। अब उसके बाद 15 में देखिए, उसी का एक दिन पहले शमूएल को परमेश्वर शाऊल को, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को चिता रखा कि कल इसी समय, मीन सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस and in my life during this ministries that from where I have been picked up by the Lord, I have seen so many things like this, and then that shows and gives me the sign that this is from the Lord. So many
But that doesn't make, I will just bring certain things under you, under for you, where I will tell that what is the thing that's actually happening and what are the things that we are thinking ourselves. अभी मैंने यहां बता दिया कि वो क्या करता है. परमेश्वर के परमेश्वर ने उसको बुला कर क्या किया, बताया एक दिन पहले कि कल इसी समय. क्यों कल इसी समय, एक साल के बाद इसी समय, पांच दिन के बाद इसी समय? परमेश्वर की योजना को क्वेश्चन नहीं कर सकता. लेकिन जब वो कल इसी समय आ रहा है शाऊल, तो क्या पूछने आ रहा है? देखिए, शाऊल जब आ रहा है, उसने 19 को पढ़िए, वो 17 को पढ़िए पहले. फिर जब शमूएल ने शाऊल को दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की है वो यही है. जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की है, मतलब परमेश्वर कैसे कैसे काम करेगा, पहले दर्शी को जो आज नबी हमको बताएगा. फिर यहां पर खेल हो सकता है, परमेश्वर मुझे आपके बारे में पहले ही बता दिया. सच में बताता है, लेकिन खेल क्या होता है कि परमेश्वर की क्रियाओं में जब वो हमें बताता है, तो हम हम्बल होने के बजाय हम घमंडी हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आपके बारे में पहले ही बता दिया. तो क्योंकि आपको सामने वाले से प्रेज लेना है, तो आप कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो, नाउ लॉर्ड हैज नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन हम जोड़ेंगे. प्रकाश होता है लिखा परमेश्वर वचन में, ना तो किसी बात को जोड़ना ना घटाना. शमूएल ने क्या बोला, तू खड़ा रहे ताकि परमेश्वर का वचन मैं तुझे सुनाऊं, जो परमेश्वर ने बोला है उसको सुनाऊं. अब यहां पर मैं उस तरफ आऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ सुनते जाइए कि असल में होता कैसा हमारी जिंदगी में. यहां पर इसमें आपको क्या पता चलेगा मालूम है, You are going to be anointed or led by the Spirit of God. आपको कब नहीं डरना है यह पता चलेगा. क्या होगा वो मैं बताऊंगा. अब क्या हुआ इधर में, यहां पर हो रहा है कि मेरी 17 में, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की, नाउ लॉर्ड इज कंफर्मिंग. फर्स्ट लॉर्ड वॉज टेलिंग, नाउ लॉर्ड इज कंफर्मिंग, दिस इज द पर्सन. ओके, मेरी प्रजा पर यही क्या करेगा, अधिकार करेगा. तो यह अभिषेक क्या के लिए है, अधिकार देने के लिए है. अभिषेक आपको किसी स्पेसिफिक कार्य को पूरा करने के लिए अधिकार देता है, पावर नहीं. अथॉरिटी एंड पावर में अंतर है. जब हम अथॉरिटी, क्योंकि कब, जब तक स्वर्ग से आपको अथॉरिटी प्राप्त ना हो, आपको जो पावर है वो स्वर्ग से प्राप्त नहीं होगा. तब आप क्या करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल गो ऑन स्टार्टिंग टू डू द फेक मिरेकल्स. फेक ऐसे मनगढ़ंत, ऐसे इंट्यूशन के आधार पर. इंट्यूशन इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स विथ मशीनरी दैट वी आर सम. किसी किसी को इंट्यूशन होता है, बड़ा अच्छा इंट्यूशन होता है, बट दैट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड. वो आपका है, दैट इज योर्स, योर प्रेडिक्शन, योर थॉट. आप वाइज हैं, और उसके तब आपको क्या नहीं बोलना है अंदाज लगाकर. एक बार की बात है, मैं सीहोर में था, ठीक है, तो वहां पर बैठकर एक अनिमेश करके अपने पास में, उनके घर में था, तो बैठकर उनके उनकी मतलब उनके ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था. उनके पप्पा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और परमेश्वर के भक्त हैं. तो उस समय, लेकिन भक्त हो तो क्या परेशान नहीं आएंगी, आई. तब मुझे आमंत्रित किया गया था, तो मैं वहां पर उनसे बैठ करके उस समय, तो मैं दो की तीन बार गया उनके यहाँ. तब जब मैं उनको बोल रहा था, तो उनको बोला आपका भी ट्रक है ना, 3 बजे आपको फोन आएगा, आप फोन उठा लेना, वो बोलेगा आप छुड़ा लो. उनका ट्रक फालतू का किसी चीज में ऐसे इसमें फंस गया था किसी कारण से, तो फाइनेंस के किसी कारण से फंसा था, तो छुड़ा लो करके बोला.
और मैं बोला मैं भी मतलब क्योंकि मैंने रात भर नहीं सोया था, दिन में नहीं सोया था, फिर 3 बज रहा था, मैं सोने जा रहा हूँ, फोन आएगा, जाके तुरंत जाके छुड़ा ले। तो उनका करेक्ट 3 बजे फोन आया, तो ये लोग बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद उन लोग गए नहीं लेने के लिए। 6 बज गया, 7 में उठा, तब तक मैं पूछा अच्छा फोन आया था, हाँ आया था सर, हाँ लेकिन ले अभी तक लेने नहीं क्या, हम लेके हम कल जाके ले लेंगे। मैं बोला नहीं, आपको आज ही जाना था, अब बिगड़ जाएगा। चीज है बिगड़ती है जब आज्ञा का पालन नहीं। फिर क्या हुआ, वहां से तो पुलिस से तो छुटने का लिए हो गया, लेकिन वो फाइनेंस उठा कर फिर लेंगे उस समय, बाद में मिला, वो बाद की बात है। लेकिन कैसे मालूम कि 3 बजे फोन आएगा? जब परमेश्वर बोलता है तो वो सटीक सही अनिमेष है हमारे बीच में, वो उसका गवाह है उस समय का। ऐसा बहुत सारी बात है। उसकी एक बहन है, उसका नाम मैं भूल गया, अदिति कुछ नाम है उसका। तो उसको मैं बोल के, उसका हीमोग्लोबिन जो था वो 4 की 5 रहता था हमेशा, तो उसको मैं बोला, इन लोग को बोल के क्या, वही सोने वाली बात, क्योंकि मैं रात दिन नहीं सोता तो मैं बोल कर चला जाता हूँ। तो मैंने बोला कि जैसे ही मैं सोने जाऊँगा शाम को 4 बजे 5 बजे, उसके 1 घंटे के बाद अचानक आदिति का तबीयत खराब हो जाएगा। आदिति परिहार नाम, हाँ लिखा है आदिति परिहार। तो जाके ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उनका तबीयत अचानक खराब हो जाएगा। एचबी उसका कम रहता था। फिर बोला कि उसके बाद तबीयत खराब होगी, चिंता मत करना, डॉक्टर वॉक्टर बुला लो, लेकिन उसके बाद याद रखना उसको एचबी फिर कभी कम नहीं। मैं 8 बजे करीब उठा, अरे सर आपको उठाए नहीं थे, लेकिन मैं बोला उठाना नहीं मेरे को, तो उठाए नहीं थे। 1 घंटा आप सोने के बाद अचानक उसका तबीयत खराब हो गया, बहुत लो हो गया, फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, और उसके बाद से लेकर आपका तो पता नहीं मुझे, उस समय के दौरान में है ना, बहुत दिन तक, वो सालों तक उसका एचबी डाउन फिर कभी नहीं। हमने क्या किया, हम कुछ नहीं कर रहे। व्हेन लॉर्ड वांट्स टू गिव यू समथिंग ही विल टेल, ऐसा हुआ। अब वहां पर उसके कुछ सालों के बाद मैं फिर से जब गया था, तो ये अनिमेष लोग के पास में बहुत सारा, एक 25-30 लाख रुपया कुछ आया हुआ था, तो उन लोग उसको पुराना कर्ज सब निपटा के अब बिजनेस में कुछ करना चाहते थे ऐसा वैसा। तो मैंने बोला था उस समय कि आप ट्रक में मत चले जाना। तब एक आदमी आता, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है ना, और नहीं बताना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई तो था जो दुरुग बिलाई या कहीं और आसपास में कुछ पास्टर था कि कोई था या भविष्यवक्ता बोलता था। उसने बोला मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, आप ना ट्रक कर देंगे प्रताप करके, अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, बोल के वो प्रताप करके था वो, आ करके मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, और परमेश्वर आपके बारे में तो अनिमेश का पप्पा बोला आपका मालूम है जो आए हैं कौन है, नहीं मुझे नहीं मालूम। तो बहुत देर बाद मैं क्या हूँ कि मेरे को कोई समझाता बताता हूँ, मैं अच्छे से सुनता हूँ और चुपचाप रहता हूँ। तो मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, प्रभु का दास है, बात करने दीजिए। लेकिन मेरे को पता है परमेश्वर आत्मा अगर बताएगा तो एक मन का रहेगा, जब संसार का आत्मा बात कर रहा है या शरीर का आत्मा बात कर रहा है तो उसके जैसा लगेगा इंट्यूशन। तब यहां पर बोलता है प्रभु का दास शैमुएल, वो हो सकता है पहचानने में गलत। यहां क्या मतलब है इसका, जब 17वें वचन में जब यहोवा ने उससे कहा जिस पुरुष की चर्चा मैंने की थी वो यही है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रॉन्ग पर्सन, इसकी जगह उसको या उसकी जगह उसको भी हो सकता है। तो परमेश्वर कंफर्म करता है, लोगों के पास ये कंफर्मेशन नहीं है। इंट्यूशन में कुछ बातें पता चल जाए, अभी किसी का चेहरा देखने से लगता है हाँ सिस्टर पते कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे ऐसा लगता है। क्या क्या चीज के लिए प्रॉब्लम होगा, कोई सिस्टर है तो उनकी माँ के घर की तरफ, या अगर सिस्टर बहुत कंसर्न वाली है तो पति के घर की तरफ भी सोच लेगी, फाइनेंस का, सेहत का, या फिर और कुछ चीज का, पैसे का, फाइनेंस में पैसा। तो इसकी इसको अंदाज लगाकर हाँ ऐसा हो सकता है ना आपको, हाँ प्रभु की दास आपने सही बोला है, थोड़ा सा बताकर। परमेश्वर जब बात करता तो स्पेसिफिक बात करता, सही बात करता, सटीक बात करता है।
एक एक चीज बता देगा निकाल के। एक स्त्री थी हमारे भिलाई में, कुछ चिक्की भी नाम था उसका, नाम होनी था कुछ और था। तो मैंने उससे जब बात किया तो मैंने उससे बोला, तुम जो कर रही हो गलत है। जिस जगह जाके तुम जो 4 बजे 5 बजे जब तुम जिस शॉप को खोल कर प्रार्थना कर रही हो वो गलत। क्या? परमेश्वर आत्मा ने कहा, क्या वो मेरा काम करती है? नहीं, जो निर्मला मैडम वो उस समय गवाह है, उन्हीं के सामने में भविष्यवाणी आई थी। नहीं, उसको सुधरना है, उससे कहो दिस ऐसा कर। ये वही स्त्री है जो हमारे बीच में, जो सुभाष जी हैं और सुशीला हैं, ये जब हमसे बहुत सालों पहले मिले थे तब मैं ही था जब उनको बोला इस जगह में इस दिशा में जाइए, फिर ऐसा करके आज जहाँ पर उनका स्कूल है, जो जगह है और बिल्डिंग है, उस जगह में उस समय भेजा गया था। तो यही जो मैडम थी, ये इसने देखा थी उनकी सहेली सुशीला जो है, उनकी एकदम बेस्ट सहेली है। तो बोली कि ये जो मैडम है इनका, मेरे को नहीं मालूम कि गांव कौन सा, उमरपट्टी कुछ गांव था, लेकिन उस समय मुझे वो सब पता नहीं था। तो रात को 8 बजे आई और बोली कि मेरा एक जमीन है, आपने उसके लिए आकर प्रार्थना करिए। तो मैं वहां पर जब गया, दूसरे रास्ते से लेके गई, जब वहां पर गया तो उसे घुमा कर लेके गई, तो गया तो मैं बोला यहाँ पर तो इसी जगह में तो मैंने किसी प्रभु के दास और दासी का मैंने प्रेयर किया है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। देखिए चिक्की सिस्टर, यदि आप उसमें टांग अड़ाने की कोशिश या गलत कर रहे हैं, आपका ये बंजर रहेगा। नहीं, वो तो यहां से 5 किलोमीटर दूर है उनका, मेरा वहां पर एक ऑलरेडी अभी एक मकान है वहां पर। अब मेरे को मालूम है 5 किलोमीटर दूर नहीं था, जस्ट पीछे ही था, लेकिन उसने परमेश्वर की है। देखिए कैसे होता है लालच, उसको मिला, उसका बढ़ रहा है, मेरे पास जमीन है मैं अपना बढ़ाऊंगी। परमेश्वर वो प्रभु की दासी है वो, लेकिन लालच। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हम जा ही नहीं सकते। क्या हुआ? मैंने बोला आपके बोलने के कारण, लेकिन आज से अगर आप जो बोल रहे हैं वो गलत है तो ये शराब में बदल जाएगा। आप बुद्धू नहीं बना सकते, क्योंकि उनको आशीष इनको नहीं है। और ऐसे ही हुआ, उनका केस लग गया एक नाली का कटने वाला का, जो कैनाल वाले लोग का, एग्रीकल्चर वालों का, कैनाल वालों का केस लगा। फिर उसके बाद इन्होंने लंबा लालच के कारण से कुछ किया तो उसका केस लगा। ऐसा करते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या, क्या हम परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं। तो यहां पर इस बात का संदेह नहीं, इस बात का प्रमाण है कि इंसान गलती कर सकता है, इसलिए परमेश्वर कंफर्म करता है। भविष्यवक्ता का मतलब सब जानने वाला नहीं है, जैसा भविष्यवक्ता दिखाते हैं कि मैं इसको सब पता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो लिखे हैं सर, सरकारी कागज में फेर बदल करने की कोशिश किए पर सफल नहीं हुआ, निगम ने अपना स्कूल बता दिया। हाँ, निगम में अपना स्कूल बता दिया। हाँ, ये देखिए कितने साल पहले की बात है। कितने साल पहले हुआ सुभाष जी? करीब मेरे ख्याल से 20 साल या 30 साल ऐसा कुछ हुआ होगा। तो क्या हो गया? परमेश्वर की बातों में, यहां पर ऐसा नहीं कि सुभाष जी को तकलीफ नहीं उठाना पड़ा। आज जो भी करते हैं मेहनत से करते हैं, 23 साल हो गया है बोल रहे हैं, 23 साल हो गया, तो मेहनत करते हैं, तकलीफें तो आएंगी, ठीक है, वो अलग है। हम और आप, सुभाष जी या कोई भी संसार शमल, सब गलती करेंगे। आप गलती करने के कारण से फेक या फ्रॉड नहीं हो, परमेश्वर को मालूम है, ये आत्मा की बातें हैं। तो अब क्या करेगा? हाँ, परमेश्वर क्या करता? कंफर्म करता। इसीलिए हमको भरोसा रहता है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है। और इसका जब परमेश्वर ने बोला है तो सच्चा भविष्यवक्ता जो होगा वो सबसे पहले तो डरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। और जो नहीं डर कर अपनी महिमा करवाता, कैसे करेंगे अपनी महिमा? क्या मैं आपको जानता हूं? क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूं? क्या आप हमारे लोगों में से पहले कभी मिले हैं? ही विल बी मच कंसर्न्ड अबाउट टेलिंग दैट आई डोंट नो यू, सो दैट इनडायरेक्टली ही इज टेलिंग, इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है वो आदमी कि देखा मैं परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड हूं, मैं तुमसे रेस्पेक्ट करने के लिए बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड रेस्पेक्ट।
I expect in my inner heart that you should respect. Whereas respect has been, ये मतलब बहुत भविष्यवक्ताओं का respect तुरंत नहीं मिलता। उन पर उल्टी सीधी आक्षेप, इल्जाम, बातें की। इसका मतलब क्या क्या चीज का फायदा उठा सकते हैं? फेक और फ्रॉड आदमी, देखा भविष्यवक्ताओं के बारे में बाइबल में लिखा है कि उनके खिलाफ में बातें की जाएंगी, उनके खिलाफ में बोली जाए, वो गलत है तो उसको वैसा कवर करेंगे। कैसा? गलत बोली जाएंगी, बोल ये है वो। गलती करो तो मानो भैया, गलती क्यों तो मानो, परमेश्वर लोग वही है। और इसमें गलती करके तुम मानने में मत शर्माओ, क्योंकि अगर तुम मानने में शर्माते हो इसका मतलब परमेश्वर आत्मा तुम में नहीं है। हाँ ये, अरे सबको क्या बताऊं क्या करो, ऐसा ना हो चलेगा, वो इसे नेचुरल थिंग। लेकिन परमेश्वर के सामने तुम, क्योंकि तुम परमेश्वर मानोगे ना तो यहां के घमंड नहीं करोगे इस जगह में आकर कि हाँ मैं प्रभु का दास, ये होता ही नहीं है। मैं प्रभु का दास नहीं होता है, प्रभु इस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। और प्रभु अपने दासों को अपने तरीके से लोगों के मनों में भय डालता है, ये निगाहों में नहीं मनों में रेस्पेक्ट दिलाता है। उनको पता होगा कि ये प्रभु का दास, ऐसा पता होगा। ऐसा नहीं कि आपने बताया तो नहीं पता, तो नहीं पता कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप सच हो तो सच कभी हारता नहीं, सच कभी छिपता नहीं। तो आप सच हो तो दिखेगा कभी ना कभी। एंड लॉर्ड इज पावरफुल, लॉर्ड इज ग्रेट। तो यहां पर बात होती है, अब हम गहन शिक्षा की ओर जा रहे हैं जल्दी से। तो मेरी प्रजा के ही तो क्या दिया अभिषेक में, अधिकार। अभिषेक में क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। अब यहां पर बोलता है कुप्पी पर तेल। अब यहां पर क्या कर रहा है? देखिए, शैम्बल ने एक कुप्पी में तेल निकाला, सिर पर उंडेला और उसे चूम कर उसको बातें बताई। ही जस्ट टोल्ड। तो कुप्पी जो डाला ना, जो पवित्र आत्मा को घोषणा है, क्योंकि उस जमाने में पवित्र आत्मा उतरता था। आज के कैसे? उस समय दर्शी हुआ करते थे। मतलब क्या हुआ? दर्शी का मतलब है दिमाग में पिक्चराइज करने वाले लोग जो राज्य का करते थे। दर्शी वो भी हैं दिमाग में पिक्चराइज करने वाले लोग जो दूसरे आसमान का करते हैं, दिमाग में पिक्चराइज करने लोग जो धरती का करते हैं, दिमाग में पिक्चराइज करने वाले लोग जो धरती के नीचे के लोगों का करते हैं। बाइबल तीनों स्थानों, ऊपर में कई लोग हैं, बीच में एक लोक है, नीचे में भी लोक है। तो इन तीनों के दर्शी होते हैं और स्वर्ग के दर्शी भी होते हैं। वो उनका क्या होता है? दिमाग, दिमाग में होता है चीजें। लेकिन अभी क्या होते, जैसे उस समय दर्शी थे, आज वो दर्शी क्यों नहीं है? आज वो दर्शी इसीलिए नहीं है क्योंकि आत्मा ऊपर से नहीं आता, आत्मा आपके अंदर रहता है। तो नाउ द थिंग्स दैट हैपेंस इज through your mind, आपके मन में, आपकी आत्मा, आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा का दिमाग कहां? यहां है क्या? ये शरीर का दिमाग है। आत्मा का दिमाग परमेश्वर का दिया हुआ विजडम एंड नॉलेज है, जो आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा प्राप्त होने के बाद मिलता है। आज भी मैं प्रूव कर रहा हूं, आज भी थर्ड आई ओपनिंग, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन और आंखों का ऐसा हाथ रख करके, क्यों आंख से किया जाता है? क्योंकि इनकी आत्मा अब भी हमारे परमेश्वर के जैसा, जो नया जन्म होने के बाद आत्मा अंदर वास करता है, तो आंखों को ऊपर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आंखों को ऊपर जब वो करते हैं तो दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिमाग की बात को कर रहे हैं, इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, और वो अब लागू नहीं है राज्य में, स्वर्गीय राज्य में। बातें आपकी विजडम की, इसलिए शाऊल के शाऊल ने सुलेमान के बारे में परमेश्वर बोला, मैंने तेरे दिल में बुद्धि डाल दी है। मैंने तेरे दिमाग में बुद्धि डाल दी है, नहीं, यहां पर चेंज है। आई हैव पुट विजडम एंड नॉलेज इन योर हार्ट। आज की दुनिया में
सोच कर बता प्रभु। हाँ मैं देख, जब भी कहता मैं देख रहा हूं, लॉर्ड इज शोइंग मी, आई लॉर्ड इज शोइंग इज हियर, समवन इज हियर हु हैज गॉट प्रॉब्लम इन राइट आईज, दिस पे प्रॉब्लम है, मैं ऐसा देख रहा हूं यहां। अरे तुम नहीं देख रहे हो, तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो। यदि तुम देख रहे हो तो वो आत्म शैतान का है, क्योंकि परमेश्वर दिखाता नहीं बताता है, परमेश्वर दिखाता नहीं बताता है। जब वो देखेगा वो बताएगा, ये वो है, इसी या हम देखेंगे। हम कैसे देखते हैं? आत्मा में देखते, यहां से नहीं, ये इससे नहीं देखते हम। जब तक इससे देखने का समय था तब ऊपर की आत्मा, बीच की आत्मा, नीचे की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। तो ऊपर परमेश्वर की आत्मा एक, ऊपर की आत्माएं, बीच की आत्मा हम खुद, और नीचे की आत्माएं। तो यहां सिंगल सिंगल कौन है? हम और परमेश्वर की आत्मा, सिंगल सिंगल। बीच में स्वर्ग कहलाने वाली जगहों की आत्माएं, नीचे आत्माएं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरीके से आकर हमारे मस्तिष्क को कब्जा करती हैं। और वचन के जैसा ही एक वचन है जिसका मीनिंग उस आत्मा का बताया जाना अलग होगा, इसीलिए उसे गलत शिक्षा बोला जाता है। When you say that in this church I am seeing the anointing of fire, जस्ट बिकॉज एक प्रभु का दास जो झूठा है, बहुत बड़ा लेकिन आदमी है, था अभी नहीं होता, बोलता है अमेरिका में जाकर टुमारो एट 5 o'clock when I will be standing on this podium, you will be fire of God will come upon you and these things will happen and you will see the fire this and that, ऐसा करके बोला। उनके साथ में एक और एक प्रभु का एक बड़ा एक कहलाने वाला दास जो नहीं है वो भी था, और चर्च में करेक्ट उतने बजे परमेश्वर के लोग अब आ रही है, हाँ फायर 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 फायर, और उसके बाद एक गवाही देता है, बोलता है यस्टरडे व्हेन यू टोल्ड ब्रदर द फायर विल कम आई थॉट दैट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, टुडे एट द सेम टाइम यू सेड फायर, इनका मिरेकल बोल दिया और वहां पर कुछ एनर्जी को फील किया। डोंट ट्राई टू फील द स्पिरिट, स्पिरिट इज नॉट फेल्ट, इट्स प्रेजेंस इज अंडरस्टूड, मेड टू, वी हैव बीन गिवन द विजडम टू नो हिज प्रेजेंस इन द स्पिरिट, नॉट बाय फीलिंग। जब कभी भी फीलिंग का मतलब पावर हो गया, नॉट द पर्सन, फीलिंग का मतलब पावर। कैसे? यीशु जब जल रहा था तो एक स्त्री आई जिसके लहू की बीमारी थी, उसने बोला मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और यीशु ने कहा ए वर्च्यू वेंट थ्रू मी, हु हैज टच मी ओवर हियर, इट इज नॉट अनॉइंटिंग, इवन ही डजंट से इट इज अ पावर, बट इट्स अ वर्च्यू, इट्स अ एनर्जी, दैट थिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो बिना परमेश्वर की इजाजत के भी प्राप्त हो सकता है, बिना उद्धार प्राप्त किए भी चंगाइयां मिल सकती हैं। That doesn't make you a man or a woman of God because you have received a चंगाई, या you received a big miracle, a financial miracle, a financial breakthrough. That doesn't make you important. आप उस कारण से important नहीं हो। तो यहां पर क्या बोलता है? कुप्पी पर तेल, तब क्या हुआ? उसको सिर में जब डाला गया, आगे जाके बोलता है कि तू भविष्यवाणी करेगा। यहां पर देखिए, तू यहां पर लिखा तब यहोवा का आत्मा तुझ पर, क्यों कहां लिखा 10:6, वहां क्या बोलता? तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होके और ही मनुष्य हो जाएगा, तो परिवर्तित होके और ही मनुष्य हो जाएगा, और क्या करने लगे? और उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा। क्या शाऊल नबी था? नहीं। फिर इसका मतलब क्या हुआ? हर नबुवत करने वाला नबी नहीं होता। नबुवत वो किस चीज का कर रहा होगा?
डू यू थिंक, क्या हम ये सोचते हैं कि नबोत इज प्रेडिक्टिंग फ्यूचर? परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आज से ठीक 3 साल के बाद ऐसा वो, दैट इज अ वर्ड ऑफ नॉलेज, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, दैट हैज बीन गिवन अनटू यू, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। पीपल कहां कंफ्यूजन है, गलत शिक्षा क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक को बोलकर कुछ उतर रहा है बोलकर, है ना, उतर आप लोगों के ऊपर उतर रहा है, उतरता नहीं है भाई। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर, झूठे बिशप, उतरता नहीं है, ये आउटफ्लो होता है, तुम्हारे अंदर से बह निकलेगी। यीशु ने बोला तुम्हारे अंदर से जीवन बह निकलेगा। जीवन क्या मतलब? वो जिसमें जान है, वो जिसमें मान है, वो जिसमें महिमा है, वो जिसमें ताकत है, वो बह निकलेगा, ऊपर से नहीं आएगा अब। हेलो, तो तुम जब जाकर के उतरेगा 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 उतरेगा, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेरी हेवी ओवर हियर, ये सब जब बोलते हो, तुमने फीलिंग को बता दिया हेवी फीलिंग। यस, इन योर स्पिरिट। मैं आपको एक सच बताता हूं कि उस फीलिंग और उस जगह में परमेश्वर कोई काम करे या ना, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, परमेश्वर सब जगह काम कर सकता है, लेकिन मैंने बिना फील के बड़े बड़े मिरेकल्स को मेरे द्वारा होते हुए देखा, बिना फीलिंग, बिना इसके, वहां जाकर देखा, हालेलुया, हाले वाह, देयर वाज ऑन माय बाप रे, कितना अच्छा फीलिंग है। बट इन द स्पिरिट व्हेन वी सी देयर इज नथिंग, जीरो, क्यों? क्योंकि उस अभिषेक के होते हुए जब तुम गिरते हो फिर उठते हो तो भी तुम्हारी जिंदगी, तुम उस समय, मुझे कुछ लगा, मुझे करंट लगा, मुझे जुरंट लगा, मुझे बुरंट लगा। एक ब्राह्म्स करके एक आदमी था जो अपने को एलिया बोलता था, उसके लाइट आ जाता था, खड़ा रहता था, जब वो बोलता था कैमरे में कुछ खड़ा ऐसा लगता था, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया उसका। ये बहुत 50 साल पुरानी बात है, 50-70 साल, बहुत बड़ा फेमस भविष्यवक्ता कहलाता था, लेकिन था वो झूठा। तो चिन्ह और विलियम ब्रहान, ब्रहानम, विलियम ब्रहान, ओनली जीसस। तो चिन्ह और चमत्कार के कारण जो, इसीलिए यीशु ने, जब हम इस बात को क्या सोच सकते हैं, यीशु ने बोला झूठे चिन्ह और झूठे चमत्कार, मतलब क्या? सही चिन्ह और सही चमत्कार मतलब क्या? वन The authority of God is used, इसका authority हमने क्या समझा, मतलब विश्वासी में, in the name of Jesus, तुम मेरे नाम से दुष्टात्मा निकालोगे, confusion, आप in the name of Jesus का मतलब, आप मुंह से in the name of Jesus बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप जाओगे बोलोगे और हो जाए, क्यों? Because in the name of Jesus you are representing the heavenly Father and the Son, you are representing, तो आप जब बोलोगे वो होगा। मैंने तो कई बार मतलब, तो साधारण रीति से मैं इस चीज को बताता हूं, क्योंकि मैं अपने पर हमेशा एक शक्की हूं। परमेश्वर ने बोला, लॉर्ड डिड यू टेल, देन आई कंफर्म, परमेश्वर बोला तू जा और बता। मैं आंख ऊपर करके सोकर ऐसा सपना आया है, सपने में मैं जाकर बताया हूं, बहुत सी ऐसी सारी चीजें एकदम सटीक 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 होती हैं, ऐसा नहीं है, होती हैं। मैं नहीं बोलता कि आपको स्वप्न नहीं आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ गिफ्ट। आप भविष्यवक्ता नहीं हो, भविष्यवक्ता का असली मतलब क्या, यहां पर देखिए, भविष्यवक्ता मतलब, मेरे को आप भविष्यवक्ता सोच के मत सोचिए, एवरी वन कैन बी ए प्रॉफिट, मे बी ए प्रॉफिट, बट डेफिनेटली ही इज अ प्रॉफिट इज नॉट कन्फर्म थिंग अंटिल अनलेस यू आर बी अनॉइंटेड। अनॉइंटेड मतलब चर्च में खड़ो, तुमको परमेश्वर ने यूसुफ का अभिषेक दिया, यहूदा का, मूसा का अभी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत अभी नहीं है। परमेश्वर ने नया जन्म प्राप्त के हर व्यक्ति के अंदर आत्मा को रखा है, इसीलिए वो जिसे चाहे वो बांटने वाली बात जो है आपके डिजायर के अनुसार से होता है। मेरा डिजायर था कि मैं 5-fold मिनिस्ट्री के हर ऑफिस में से मैं ऑपरेट करूं, नहीं हो सकता। मेरे को आप बोलोगे चर्च चलाओ भैया, मैं आज तक उस फील्ड में जाता नहीं, इट इज अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई रेस्पेक्ट द पास्टर्स, उनके जैसा पेशेंस के साथ वो नहीं रहा जा सकता,
मेरे को चार बार के बाद पांचवे बार में कोई बोला मैं इरिटेट हो जाऊंगा, मैं लगता है तेरा तू गया, हाँ तू गया काम से, मैं क्या एलिशा जैसा, तेरे को भालू आएगा खा लेगा जा, मैं ऐसा बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में वो जो अभिषेक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बोलता है तो उसको राजा होने का अधिकार, अभिषेक क्या करना, राजा होने का अधिकार पहला। अब मेरे साथ निकाल लीजिए वहां पर और ही छह में, दस के छह में परिणत हो और ही मनुष्य हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, ये तो और ही मनुष्य हो गया, अभिषेक हुआ और ही मनुष्य हो गया, यही तो वो शाऊल था जिसको परमेश्वर ने तुच्छ जाना, परमेश्वर के विरुद्ध में आया, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में गया। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, जब बल से उतरेगा जब बोला जाता है ना, वो उस जमाने के लिए है। अब जो है यहोवा का आत्मा तुम्हें बल से उभरेगा, उतरेगा नहीं, उभरेगा, उतरेगा। जब तक है तब तक हम पुराने जमाने के प्रॉफिट जैसा दिखना शुरू हो जाते हैं, उभरे उतरेगा बोलने से। और आज भी हम क्या बोलते हैं, उतरा 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 रूहे पाक उतरा उतरा, अरे भैया ही है ऑलरेडी उतर चुका, कितने बार उतरेगा, पवित्र आत्मा एक ही है, ट्रिनिटी गॉड का थर्ड पर्सन है। उतरा गाना सुनने में कितना अच्छा लगता है। एक बार अनिल कांत जी से मैं दो चीज को बात किया हूं उनके घर में, अनिल कांत जी के घर में जब मेरे को बुलाए थे हम लोग खाने के, हम उनको उज्जैन में मिले थे, तब उनको रात को 2 बजे बुलाया, कॉफी पियेंगे, हाँ कॉफी पियेंगे ठीक है चलो। तो मैं किसी से बात नहीं करता यूजुअली, तो क्या हुआ अब उनके होटल में थे, उज्जैन में आए थे मीटिंग में, तो मेरे पास फोटो भी है अनिल कांत मैं उन सब बैठे हुए। तब उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास चार प्रश्न है, इफ मतलब आई हैव आस्क्ड सो मेनी पीपल, ही वाज फ्रॉम द चर्च ऑफ शेखर कल्याणपुरी, ठीक है, तो सो मेनी, तो उसने बोला, उन्होंने बोला मेरे चार प्रश्न है, यदि इसके उत्तर मिल जाए तो मेरा मिनिस्ट्री में चेंज कर दूंगा, अभी सिर्फ गाना गाता हूँ, उसके बाद मैं परमेश्वर की कलीसिया वचन उससे संबंध बातों में अपने आप को झोंक दूंगा, ये चार प्रश्न का उत्तर चाहिए। उन्होंने चार प्रश्न पूछा रात को 3 बजे, चार प्रश्न उत्तर मिला, ही वाज सुपर एक्साइटेड। उन्होंने रात को ही अपनी पत्नी को मुंबई में कॉल किया, आपको मालूम है मैंने तुमसे आपसे कहा था कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो चार प्रश्न उत्तर मुझे मिल गए, नाउ द टाइम हैज कम फॉर मी टू डू द मिनिस्ट्री। आप मालूम किसने मुझे इसका उत्तर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते से मैं आज मिला हूँ और उसने मुझे इस चीज का उत्तर दिया, परमेश्वर की आत्मा उसके उनके द्वारा से मुझसे बात किया। अब उसके बाद से उनका मिनिस्ट्री देखिए, इट हैज चेंज्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन्होंने एक गाना बनाया, उस गाने में लिखा आत्माओं पवित्र आत्माओं, मैंने बोला दिस इज रॉन्ग, लेकिन बोले ब्रदर ये तो मैंने पूरा जगह फैल चुका है, मतलब ही इज नॉट मीनिंग टू डीमीन द डॉक्ट्रिन, बट क्योंकि वो मतलब उस समय उसकी समझ आनी है, हम क्या करते हैं कुछ कुछ चीज सीखते चले जाते हैं। तो उनके गाने में पवित्र आत्माओं कभी नहीं होगा, लेकिन उसको हो भी सकता है यदि हम सात आत्मा पवित्र आत्मा के सात एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी गलत है। पवित्र आत्मा मतलब एक आत्मा, ठीक है, पवित्र आत्माओं नहीं होता। वैसा ही उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 नहीं होता। पवित्र आत्मा को पिता ने जो वादा किया, पुत्र का जाना अवश्य, तभी जो पिता ने वादा किया वो उसे उतारेगा, और फिर वो जो उतारना हुआ, वो जो पहले उतरता था बल से, अब वो बल से नहीं, अब वो कबूतर की नई शिक्षा देने के लिए उतरेगा, सामर्थ्य और चीजों को बांटने के लिए, मैनेज करने, हमको एवरीथिंग दैट वी आर द पर्सन हु गॉड विल यूज, भविष्यवाणी करके फ्यूचर बताने की बातें होती नहीं है। तो क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग,
कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने एक चीज बोला है, कलीसिया मतलब हम उसकी देह है और वो हमारा सिर है। भविष्यवाणी वही करेगा और कर सकता है जो सिर से जुड़ा हो, गर्दन अलग, राहु केतु नहीं, अलग अलग उल्टा 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 चलने वाले, ठीक है, गर्दन यहां सिर यीशु, हु इज अवर सिर, ही कैन प्रोफेसाई नॉट वी, व्हेन ही इज प्रोफेसाइंग एंड वी आर लिसनिंग एंड टेलिंग, दैट कैन बी प्रोफेसी एंड ए प्रोफेसी कैन नॉट बी ऑफ ए प्रॉफिट। जब एक आदमी प्रॉफिट है तो परमेश्वर की ओर से बिना परमेश्वर से सुने भी प्रोफेसी कर सकता है, विश्वास के आधार पर नहीं, संबंध के आधार पर। विश्वास के आधार पर जो प्रोफेसी होता है, जिसको हम प्रोफेसी 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 कहते हैं, वो नहीं है जो हम समझते हैं प्रोफेसी। विश्वास के आधार पर जो प्रोफेसी होता है तो वो आपके उन चीजों को जब आप आत्मा में समझते हो तो वो आपका डिजायर है जो फेथ के साथ मिलकर परमेश्वर सामने रिक्वेस्ट जैसा पहुंच जाता है। उसको विश्वास है, क्योंकि विश्वास क्यों चाहिए? जब यीशु बात करेगा आपके द्वारा तो यीशु का विश्वास चाहिए क्या? वो विश्वास से भरा हुआ ऐसा सोचते हैं क्या? ही हिमसेल्फ इज गॉड, ही इज द सन ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। जब वो बोल रहा है तो यहां विश्वास की, विश्वास किसको चाहिए? जिसके पास विश्वास की कमी है या ज्ञान नहीं है या कुछ कमी है, उनको विश्वास चाहिए। वो तो सृष्टि करता है, उसको विश्वास क्यों चाहिए? वो बोलेगा वो होगा। तो जब आपका रिलेशनल होता है, हु कैन प्रोफेसाई, ओनली जीसस ऑफ द हेवन कैन प्रोफेसाई। और दुनिया की बातें झूठी भविष्यवाणियां, मतलब जिस शब्द में जीवन ना हो वरन मृत्यु हो, इसीलिए आप देखिएगा नॉस्ट्रादामस ने कभी ये नहीं बोला ये अच्छा हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, नहीं बोला उसे, ये बर्बाद हो जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, वहां पर दो पक्षी आता हुआ दिखेगा और ये होता हुआ दिखेगा, या उस जगह विजय की बात करेगा जहां पर विजय नामक चीज का कोई महत्व तो नहीं। मतलब एक क्रिकेट में विजय और फुटबॉल में विजय से होता क्या है? कि जीवन में आपके फर्क पड़ेगा ना, उनके पड़ेगा जो सट्टा खेलते हैं और वो उसी सट्टे में ही वो डूब जाएंगे आगे जाके। लेकिन वो जो भविष्यवाणी उन लोग जो सोचते हैं जिसमें जीवन नहीं है, भूकंप, ईश्वर ने कभी भूकंप में इंडिया में, मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूं, इंडिया में 2025 मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने देखा है कि जहां बोला जाता है वहां पर वो होता है, इसीलिए मैं डे टू डे ऐसा नहीं है, होगा अलग बात है। लेकिन याद रखिए कि ये लोग, इसलिए यीशु ने बोला बहुत सारे भूकंप आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, लेकिन तुम स्वर्ग की ओर अपनी निगाह उठाना क्योंकि तुम्हारा कोई बाल का बाका भी नहीं कर सकता। तुम स्वर्ग की ओर अपने सिर को उठाना, निगाह को उठाना, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद वहां से है। ठीक है, अब संसार में जो भविष्यवाणी देखकर अरे नाम तो आ जाएगा, तो भविष्यवाणी जब यूहन्ना को दिखाई गई उसके पीछे का मकसद कुछ दूसरा है। पवित्र आत्मा की ओर से, स्वर्गदूतों की ओर से, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यीशु ने पहले ही बोल दिया, एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बीच में है, हमारे बीच में है, जो जब तक कि मुझे महिमा में आते हुए ना देख ले कदापि ना मरेगा। वो महिमा में आते हुए देख लिया, फिर वो मर भी गया। अभी वो जिंदा नहीं घूम रहा कहीं, वो झूठी शिक्षा है। उसने पिता को, परमेश्वर को महिमा में आते हुए देख लिया। अब उसके पीछे का मकसद यह था कि कलीसिया इस बात को जाने के ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन एक लिमिट ज्ञान के अंतर्गत, ताकि तुम इन बातों में ना घबराओ। इसलिए परमेश्वर हमेशा बोलता ना घबराना ना चिंता करना। अब आपके और हमारे विषय में आज इस वक्त में उसका एक चिन्ह है। यीशु को जब मैंने क्या बोला, यहां पर क्या डाला गया, आत्मा मतलब तेल डाला गया, क्योंकि इनके हाथ में अधिकार नहीं था, इनके हाथ में अधिकार नहीं था, तो उन लोगों ने परमेश्वर से अभिषेक करना, तो तेल को पवित्र आत्मा के मतलब अभिषेक, भविष्यवक्ता अभिषेक कर रहा है और पवित्र आत्मा बल से उतर रहा है और ये नबुवत कर रहा है।
What does नबुवत means actually? नबुवत का मतलब सच में क्या होता है. Prophecy is not predicting future, but that is word of knowledge and word of wisdom. But the anointing means reasoning, the responsibility, knowing the work process and परमेश्वर की योजना राज्य में आपके लिए. तो जिसको हम भविष्यवाणी समझकर मेरी शादी कब होगी बताए, तो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ. I was an astrologer. मैं एक तांत्रिक था, मांत्रिक था, अघोर की शिक्षा सीखी है, देखी है, पहचानता हूं, जानता हूं. न्यूमरोलॉजी, ये सामुद्रिक लक्षण, ये वो, पहले कुछ भी नहीं आता था, जीरो. लेकिन धीरे 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 सीखा. वहां प्रिडिक्शन की जा सकती है. परमेश्वर ने, यीशु ने क्या बोला मालूम है, चर्च के अंदर में हुई. क्यों ये फॉल्स प्रॉफिट है, फॉल्स टीचर है? क्योंकि वो नहीं बोलना चाहते. इन लोग संसार की प्रिडिक्शंस को भविष्य माला, क्या तो एक किताब है भविष्य, तो हिंदू में किताब है सनातन धर्म में, उसको पढ़कर उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं और उसको प्रेडिक्ट करके क्या करते हैं, उसको यहां आकर बताते हैं. परमेश्वर की योजना योन्ना के प्रकाशित वाक्य के किताब में भविष्य मालिका, हाँ भविष्य मालिका, उसको पढ़कर उसमें ये सब बातें हैं, उन शिक्षा को इसमें जोड़ते हैं. शैतान ने बहुत चालाकी की है. जो जो परमेश्वर ने बताई है उसमें जीवन को हटा दे तो राज्य का मकसद खत्म हो जाता है. एक भविष्यवक्ता अपनी नाम को बड़ा करने के लिए वर्ड ऑफ नॉलेज को प्रोफेसी कह दे, बस प्रोफेसी कह दे. किसको? वर्ड ऑफ नॉलेज को, वर्ड ऑफ विजडम को. मैं एक बार बिलाई में था और वहां पर एक चर्च के अंदर में प्रार्थना का, थर्सडे का नहीं वेडनेसडे का दिन था, ट्यूसडे वेडनेसडे. तो अचानक पवित्र आत्मा ने कहा, दैट वाज वर्ड ऑफ नॉलेज, कहा कि थर्सडे के दिन रात को 12 बजे दुर्ग के कलेक्ट्रेट के अंदर में गोलीकांड होगा, प्रार्थना कर. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड फॉर अ सिटी टू अ प्रॉफिट. तो थर्सडे के दिन रात को 12 बजे ऐसा ऐसा होगा, उसके लिए प्रार्थना कर ताकि कोई ना मरे. लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों को मरने के लिए, दुष्ट आत्माओं का. जब कभी भी परमेश्वर कोई योजना बताता है चर्च ऑफ गॉड सुपेला विला, हाँ उसके अंदर में, तो बोलता है क्या, जब कभी भी शैतान की जो योजनाएं हैं उसके काउंटरफेट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को चीजों को पहले से बताता है. कैसे? पौलुस को एक भविष्यवक्ता आया और उसने बोला, तुझे जो जिसका भी ये तौलिया है, जिसका भी ये पटुका है, उसको ऐसा बांधा जाएगा, अपने आप को बंधवाया और बोला किसका, वो न जाए, उसके साथ ऐसा होने वाला है. वो वर्ड ऑफ नॉलेज ऑपरेट तो कर रहा था, बट ही वॉज नॉट हैविंग द रियल विजडम हाउ टू डू, वॉट इज दिस फॉर. दैट भविष्यवक्ता वॉज नॉट नोइंग टू हाउ टू प्रोसीड विद दिस भविष्यवाणी फॉर दी चर्च, चर्च के लिए. वो भविष्यवक्ता ने बोला ऐसा बांधा जाएगा, ऐसा किया जाएगा. भैया, भैया जी, प्रॉफिट जी, आप सच में देखें, वर्ड ऑफ नॉलेज सच में आपने, आपको पवित्र आत्मा ने दिया है, लेकिन डराने के लिए नहीं, हिम्मत बंधाने के लिए. मतलब जब परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप ऐसा बंधोगे, तो आप वहां बंधोगे, चाहे किसी भी हाल में हो, तो आपको जाओगे तो बंधोगे ना. तो परमेश्वर, यहीं पर अंतर है. लोग एस्ट्रोलॉजी हो या भविष्य हो, ये जानने की क्यों कोशिश करते हैं? डर के मारे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा. तुमको कोई, मतलब शैतान का मकसद है डर से कंट्रोल करना. परमेश्वर का मकसद है डर का बातों को हटाकर ये होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं. दिस इज ट्रू भविष्यवाणी एंड फॉल्स भविष्यवाणी. फॉल्स भविष्यवाणी में तुमको डर दिखाया जाएगा, बहुत से ऑब्स्टेकल आएंगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते ऑब्स्टेकल्स आएंगे. तो परमेश्वर जब है तो ऑब्स्टेकल्स को आने दो, है ना.
मौसम आएगा जाएगा, फिर भी प्यार मुस्कुराएगा। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है इस पर तू विश्वास करना। फिर कुछ के अंत तक, समय के अंत तक क्या है, आपको विजय ही होगी, क्योंकि परमेश्वर ये बता रहा है जब ये बातें होने लगे। प्रकाशित वाक्य का मतलब है जब ये बातें होने लगे तुम मत घबराना। जब तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा की कोई बात होने लगे तो मत घबराना, तुम्हारी गलती जब तक उसमें ना हो। तुम्हारी गलती हो तो घबराना, वरना मत, फिर भी मत घबराना। कई बार कई चीजों में मेरे पास कुछ लोग आते हैं और जब बोलते हैं आपने तो ऐसा बोला था, आपने तो ऐसा बोला था, मैं ठीक है ना, फिर आपने ऐसा बोला था ना, फिर तो फिर मैंने ऐसा किया ना, मैं बोलता हूं मत घबराना। परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो अब आगे बढ़ो, नहीं चलो तो रुक जाओ, चल पड़े तो आगे बढ़ो जहां तुम्हारी गलती है। अब आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर फिर भी तुम्हें बचाने की सामर्थ्य रखता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर। लेकिन अगर वो आत्मा के खिलाफ पाप है, आत्मा के खिलाफ विद्रोह हुआ है, तब गलतियां हो, तब घबराने की जरूरत है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं बोला हनीना और सफीरा के जैसा विश्वासी कोई नहीं था। मैं किस आधार पर बोला इस चीज को, इस आधार पर नहीं कि वो बहुत विश्वासी, सब अपना सामान सब बेचकर पौलुस के पास पतरस के पास आ गए और झूठ बोले। लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं। उनके जैसा परमेश्वर का भय खाने वाला कोई और, आपको क्या लगता है कि पवित्र आत्मा ने मारा? नो, वो ये पवित्र आत्मा के खिलाफ में हमने किया करके वही मर गए। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे शर्म से डूब मरो यार, तुम लोग कैसे जिंदा रहते, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, हनीना और सफीरा को जो आज तक प्रोजेक्ट किया जा रहा था, पवित्र आत्मा जीवन देता है, मारता नहीं है, शैतान मारता है, पवित्र आत्मा नहीं। लेकिन इन्होंने अपनी जान को छोड़ दिया, खो दिया। हाय प्रभु, इतने बड़े भक्त थे वो, उनसे गलती हो, उनको ये बात का आभास नहीं हुआ, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, या पत्रस ने उनको शिक्षा नहीं दिया कि परमेश्वर के खिलाफ में तुम करोगे तो परमेश्वर तो हर चीज देखता है। ये हो सकता है मैं उस जगह रहता तो बेशर्म जैसा बिना मरे वहां से, अच्छा ठीक है सॉरी लॉर्ड, मैं तो सॉरी बोल दिया हूं ना, सॉरी लॉर्ड, अब से मैं आगे नहीं करूंगा, बोल के मैं आ गया होता। हनीना और सफीरा जैसा विश्वासी कोई मिलेगा ही नहीं। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो पति उसी वक्त प्राण छोड़ दिए और पत्नी भी प्राण छोड़ दिए, डर के मारे नहीं, परमेश्वर के खिलाफ हम जाग कैसे सकते हैं। उनको जब आभास हुआ इस बात का, ये मैंने क्या कर दिया, हाय प्रभु खत्म, ये मैंने क्या कर दिया। हम और आप एकदम ढीठ है, हम सॉरी को भी ढीठता से दोबारा पूछेंगे तो मैंने तो उसे सॉरी बोला ना, कैसा, मैं नहीं कहता कि डूब के मर जाओ, लेकिन मैं बताता हूं कम से कम उतने लेवल तक तो सोचे। तो अब जब कभी मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें से ये बता रहा हूं कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। अब यहोवा का आत्मा बल से नहीं उतरता, जो बोलता है ना ऊपर से उतरता है, यह तो भरता है, उतरता है। तो अब हम कुछ गाने हैं जो हम गलत गा रहे हैं, चर्च में भी गा रहे हैं, लोग उसके कारण हाँ चलो आई आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, हालेलुया, नहीं मंडराता। पेंतेकोस्त का दिन एक बार आया, बार बार नहीं आएगा। झूठे शिक्षक लोग, थोड़ा संभल कर बात करो। पेंतेकोस्त के दिन समान, पत्रस ने जब बोला कि उस समय जैसा हुआ वैसे ही हो रहा का मतलब मंडराना नहीं हुआ। और बार बार तुम मंडरा मंडरा कर तुम पत्रस बनने की कोशिश मत करो, पत्रस एक ही है ना, पौलुस बनने की कोशिश करो क्योंकि पौलुस भी एक ही है।
उसने जो निर्णय लिया हम और आप नहीं ले सकते, फिर भी उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे वाली बातें शामिल हैं। तो आत्मा मंडराता वाला गाना को गाकर द प्रेजेंस ऑफ गॉड आत्मा मंडराता पेंतेकुस्त के कितनी झूठी बातों का शिक्षा हो रहा है। अगर लोग आकर विद्रोह करेंगे ऐसा कैसा आपने बोला, अरे भैया परमेश्वर ने बोला मेरा, परमेश्वर क्या बार बार यीशु मरेगा, बार बार यीशु जाएगा और बार बार पवित्र आत्मा आएगा, क्या ऐसा होगा? इज इट रिटन दैट वे? क्या परमेश्वर बार बार आत्मा उंडेलेगा पेंतेकुस्त के दिन समान? That was different. अब कहां मंडराएगा? आपके अंदर। He will make you grow in the spirit. वो एक गाना बहुत सही है, तू बढ़े मैं घटूं। पवित्र आत्मा का आना, उसके द्वारा से नया जन्म का होना, विश्वास का देना, जो चीज जो क्या है मालूम है, एक राजा आया और आपको एक तोड़े दिया, एक को दो दिया, एक को चार दिया, एक जिसके पास था उसको गाड़ के रख दिया और बाकी ने उसका व्यापार किया करके तोड़े के बारे में बताया जाता है। वो क्या है? वो वही विश्वास है जो आपके और हमारे अंदर डाला जाता है, विश्वास बयाने में। राजा आएगा और देखेगा विश्वास का, ए सांप निकल जा, ये विश्वास नहीं है। फॉर दैट यू हैव बीन गिफ्टेड, बट द फेथ दैट इज रिक्वायर्ड इज टू ग्रो द स्पिरिट ऑफ गॉड इन फुलनेस इन योर लाइफ, नॉट इन योर इनसाइड योर बॉडी। ऐसा वाला नहीं, वो दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी के हर एक आयाम में, कुछ लोगों में से सब बहुत बोल, अरे यार वो आदमी ना जा, देखो हर चीज में परमेश्वर को घुसाएगा, हर चीज में। हमें एक तो जानता हूं वो भी प्रथम करके है, वो भी हर चीज में परमेश्वर पर लेके आएगा, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई क्या मालूम है, हमारी जिंदगी के हर चीज में परमेश्वर पूरा पूरा घुस जाए। लेट हिम बी एवरी टॉक दैट वी स्पीक शुड बी फ्रॉम एंड ऑफ गॉड। व्हाई नॉट वी बिकम लाइक दैट, दैट फुलनेस ऑफ गॉड, द फुलनेस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड शुड हैव इट्स पोजीशन अपॉन एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? दैट विल नेवर ब्रिंग यू डाउन लाइक अरे तुमको ना ये नहीं करना चाहिए तुम। द मोर यू नो योर लॉर्ड द मोर यू विल एंजॉय। यीशु नाचा, दारू बनाया, दारू पिया नहीं, मतलब अलाव नहीं, वहां के कल्चर के लिए जो जरूरत थी उसे पूरा किया। वो पेकड़ों के और व्यभिचारों के बीच में जाकर बैठा करता था, इसलिए नहीं कि वो कुछ करे, इसीलिए कि वो उन्हें उसमें से ले आए। द फुलनेस ऑफ गॉड विल कम व्हेन, कहां से होगा? स्पीच, स्पीच, स्पीच। दूसरों की चुगली करने के बजाय, दूसरे के बारे में इल्जाम लगाने के बजाय, दूसरों को गलत सोचने के बजाय, आरोप लगाने के बजाय, फालतू बातें करने के बजाय, व्यर्थ बातें करने के बजाय, परमेश्वर आपकी जिंदगी की हर बात में क्यों ना आए? व्हाई? क्या ये रिलीजियस हो गए हम? नो, that is our original personality, that should be our original personality। शुरुआत इसलिए नहीं कि लोग हमें अच्छा जाने, लोग तो उल्टा बुरा जाने, क्या तो ना हमेशा हर बात में परमेश्वर 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 ले। लेकिन जब होते हैं, एक बार की बात है, एक गाना, why this colavery 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 d, ये गाना जिसने बनाया उसका म्यूजिक वाला कि कोई तो था वो, ठीक है, सुप्लूप रूप, ये आदमी मेरा ऑफिस आ गया बैंगलोर में, और लेके आने वाला एक पास्टर थे, पास्टर प्रवीण, उनके फ्रेंड थे, तो मिनिस्ट्री करते थे, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करते थे, एंड सब बात करते थे, तो मेरे सामने आए, बैठे घंटा, इतनी घमंड की बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी मैं आए मैम, वो उन्होंने एक एक्टर से शादी किया था, ठीक है, एक एक्ट्रेस से उनका शादी हुआ था, तमिल एक्ट्रेस थी, तो मैं कुछ बातों को नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका पर्सनल है। तो वो जब आकर बैठे तो मैं मिनिस्ट्री चाइल्ड मिनिस्ट्री करता हूँ, वाई उन्होंने बहुत सारी बात की, मैं सब होने के बाद मैंने उनसे बोला, ठीक है, ये 2019
जून जुलाई हो सकता, मुझे लग भी हो सकता जून जुलाई हो सकता, तब की बात थी। तो उन्होंने बोला मैं वाई डिस्कोलावरी का मैं ये हूँ, मेरा इतना नाम है, ये है वो है, मैं मिनिस्ट्री में, मैं प्रार्थना में, मैं प्रोफेसी में, और ये परमेश्वर ऐसा करता वो करेगा ये करेगा। एक घंटा डेढ़ घंटा होने के बाद मैंने वो उठकर मतलब मैंने बोला ब्रदर वुड यू माइंड इफ आई टेल यू वन थिंग, परसों डे आफ्टर टुमारो यू आर गोइंग टू कम टू दिस ऑफिस वंस अगेन, ऐसा बोला। तो पास्टर प्रवीण भी थे साथ में, वो बैंगलोर के पास्टर, मतलब वो बैंगलोर के एक चर्च है वहाँ के पास्टर, तो वो भी साथ में थे, उनके साथ और एक फ्रेंड थे। तो उठ के खड़ो, व्हाट यू मीन ब्रदर, व्हाई वुड आई कम टू योर ऑफिस, आर यू समथिंग ग्रेट, ऐसा मुंह पर ऐसा इंसल्ट किया, आर यू समथिंग ग्रेट और समथिंग ऐसा, मतलब व्हाट यू वांट टू टेल मी, व्हाई आई वुड कम, आई एम गोइंग टू, ही वाज फ्रॉम चेन्नई, तो आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई एंड व्हाई आई वुड कम अगेन टू मीट यू, फॉर मी यू आर नथिंग, सीधा बोला। मैं बोला दैट्स ओके ब्रदर, but what my Lord tells me, I'm telling you, let's see that on that day. तो मैं तो बहुत 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 बिजी था उस समय में, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे एम्प्लॉयज थे, बहुत सारी बातें थी, हमारा लॉन्च बहुत सारे जगह हो रहा था, तैयारियाँ थी, तो मैं तो भूल गया। तो पास्टर प्रवीण जो थे हमारे साथ में भी काम भी करते थे, पास्टर भी थे, है ना, तो क्योंकि हम अपने साथ में क्या है थोड़ा सपोर्ट सिस्टम देने के लिए मैं उनको इसमें रखता। तो एक दिन बीत गया और उस दिन चला गया, मैं कुछ भी नहीं बोला, पास्टर बोला सॉरी ब्रदर, वो ऐसा बोल के, मैं बोला डोंट फील सॉरी पास्टर, डोंट फील सॉरी बिकॉज ही हैज नॉट टोल्ड एनीथिंग टू मी, ही डजंट नो ही स्पोक, दैट्स ऑल, ठीक है, ही डजंट नो। भविष्यवक्ता हो या कोई भी हो, परमेश्वर के खिलाफ में अगर उनके अंदर वो आत्मा नहीं तो वो पहचानेंगे नहीं, दैट शोज देयर इग्नोरेंस। So we have to forgive before they are doing. We have to forgive, जाने तो कोई बात नहीं, because that's the ignorance. अब हुआ क्या, वो आ गए, मतलब वो चले गए, और उस दिन तो भूल गए, सॉरी पास्टर दो चार पांच बार प्रवीण बोले, और क्योंकि वो लेके आए थे ना, तो इंसल्ट करके चला गया करके। तो उसका अगले दिन बीता, चला गया, उसके नेक्स्ट थर्ड डे फोर ओ क्लॉक था, वो बाहर से, क्योंकि वो जो मेरा ऑफिस था काफ़ी बड़ा था, तो काफ़ी दूर से फिर अंदर आए, आते आते ब्रदर एक बात बोलना है। क्या? वो उस दिन जो आया था ना, उसका नाम मेरे को भूल गया है, वो अभी मिलूंगा तो पूछूंगा। तो वो आए थे ना, कौन आए थे बताइए, बहुत सारे लोग आते हैं ग्राहक, वो जो पास्टर जो आए, पास्टर नहीं प्रॉफिट पास्टर मिनिस्टर जो आए थे, हाँ हाँ बोलिए क्या हुआ, वो आए हैं। मैं बोला ब्रदर I am very busy now. He has not taken appointment. No, last time you brought him with appointment. Okay. But this time he has not come with appointment. If it is something necessary, because I have got some scheduled meeting for me. Once I will complete that, and once everything will happen, if he can stay up till that time, it's okay. I am not insulting him because it is my this thing. तो उन इस बार उनके साथ दो लोग और आए थे साथ में, और आ करके वो गाड़ी में बैठे थे। 2 hours मेरा मीटिंग चल रहा था, काम हो रहा था, मैं थोड़ा सा भूल भी गया काम। तो फिर उसके बाद बोले 6 बजे के करीब, 4 बजे आए थे, 6 बजे ब्रदर वो मिलना चाहते। मैं बोला अभी भी बैठे हैं क्या, उनको गुस्सा नहीं आया, पिछले बार गुस्सा करके चले गए थे, इस पर गुस्सा नहीं आया, बुलाइए। वो आए अंदर, वो तीन लोग जो थे और पास्टर जो प्रवीण करके थे बेंगलोर वाले, उनको ब्रदर प्लीज मुझे माफ करिए, आप बाहर बैठिए, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने दरवाजा लाई, क्लोज द डोर ब्रदर बोला। मैं बोला तुम बंदूक तो नहीं लाए कि क्लोज द डोर कर डिशुम करने के लिए, ऐसा मजाक से किया, वो बंद करवाया। ही डिड नॉट सिट ऑन द चेयर, ही केम एंड सेट इन द फ्लोर, और उन्होंने पैर पकड़ लिया। मैं बोला हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड, बोले एक फोटो दिखाया मुझे दिस, मैंने जब गया था, मैं जब वो जा रहे थे, मैंने बोला ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, ब्रिंग योर हैंड, दिस हैंड दैट आई हैव टच्ड नाउ, गो एंड शेक हैंड विद योर वाइफ, देन यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स। तो यहाँ से
वो गए, अपनी बीबी जो उनके एक्ट्रेस बीबी थी उनको बुलाया और बुलाकर उनसे हाथ मिलाया। हाथ मिलाकर वो बीबी घर चली गई और इनको बुलवाई अपने घर में, है ना। इनको ये वाला जो मैं बता रहा हूँ इसको आप एडिट करके काट दो क्योंकि किसी का पर्सनल मैटर है जो भी इसको वीडियो अपलोड करेंगे। तो वो जा करके बैठ गए, वहाँ जाकर ये किए, वो वापस गए एंड हर हिज वाइफ कॉल्ड हिम टू द होम। उसने घर बुलाया, जैसे ही घर बुलाया उस वाइफ का लवर, उसका ब्रदर, उसका पप्पा इसको बुला कर पिटाई, ढड़ुम 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 पिटाई, मार पीट, पूरा कपड़ा फाड़ दिया, मुंह नोचली, सब कुछ हो गया। कि घबरा के पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जा करके वहाँ जाके कंप्लेंट किया। फिर उसको लगा ब्रदर के पास जाना चाहिए, वो फोटो निकाला अपना, फिर कंप्लेन उम्प्लेन सब लेके आया। मैं बोला वो आया आकर कैसा सब हुआ ब्रदर, सॉरी ब्रदर, गॉड वॉज गोइंग टू डू सम मिरेकल इन माय लाइफ एट दैट टाइम, ऐसा नहीं होता कोई दूसरे तरीके से होता, मैंने ऐसे कहने का मतलब है। मैंने बोला ये आपका खत्म नहीं, परमेश्वर का काम दूसरे तरीके से होता। मैं बोला उनका हाथ मांगा, फिर से पकड़ा, जाइए और फिर से उनको फ़ोन करिए। गए, आज दे आर कपल्स विथ ए चाइल्ड, दो दैट चाइल्ड इज नॉट हिज बट वो चाइल्ड है और उन लोग अच्छे से रहे। कहने का मतलब क्या है, अनॉइंटिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनॉइंटिंग इज नॉट समथिंग दैट कम्स एंड गोस। आत्मा मंडराता नहीं होता, आत्मा मंडराता कहां पर, जहां जान नहीं है वहां मंडराता है, जहां कुछ करना है वहां मंडराता, लेकिन वहां पानी होना चाहिए। वो एक नया शिक्षा निकला, ओ पृथ्वी पे पानी था, परमेश्वर वचन जहां पर भी है, क्योंकि वचन और पानी के एक कर दिए, जहां परमेश्वर वचन है वहां पर आत्मा है। सही है, जहां परमेश्वर वचन वहां आत्मा है, वो सही है, लेकिन पानी है वहां पवित्र आत्मा होगा कि कोई जरूरी नहीं है। अगर अगर किसी जगह में किसी प्लैनेट में पानी होगा तो वहां पवित्र आत्मा इसलिए मंडराएगा। देयर इज शुड बी ए मकसद, एक मकसद होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। अनहर्टिंग इज द पर्पस नोइंग थिंग, नॉट द पावर नोइंग थिंग। पावर अलग है, पवित्र आत्मा पावर है, पवित्र आत्मा पर्सन है, पवित्र आत्मा इज ए टीचर एंड पवित्र आत्मा इज ए लाइफ गिवर। सो वी आर कंफ्यूजिंग थिंग्स एंड टेकिंग ओनली वन थिंग दैट विल प्रॉफिट अस। अब देखिए, जहां पवित्र आत्मा ले जाएगा, है ना, जब अभिषेक के लिए आपको तैयार करेगा, वहां क्या होता है, हुआ क्या। यहां बोलता है कि कितना टाइम हो गया, 10:40, ठीक है अब 15 मिनट में छोड़ूंगा। मेरे पास ना कोई आके फंस जाता तो मैं जल्दी छोड़ता नहीं, भले आप सो जाओ ऑन करके, अरे ये आदमी तो बकता रहेगा, छोड़ दो, ऐसा सोच लो, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ता, मैं अपना काम करता ही हूं, ठीक है। तो तब यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से तुझ पर बल से उतरेगा, ये सब हो गया, नबोध करने लगेगा। नबोध का मतलब इधर क्या हुआ, भविष्यवाणी। मूसा के जमाने में भी लोगों ने नबुवत किया, मूसा के जमाने में आत्मा उतरा, नबुवत किया। नबुवत का मतलब है कंस्ट्रक्शन, लीडिंग ऑफ थिंग्स, प्रोजेक्ट इंपार्टेशन, द इंपार्टेशन ऑफ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पावर है फ्यूअल, मतलब चंगाई और चमत्कार इस नेसेसरी थिंग नहीं है, परमेश्वर उसके बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं। चंगाई चमत्कार वहां वहां जहां डिप्रेवेशन, जहां पर जरूरी नहीं, ये नहीं है। कैसे लहू बहने वाली स्त्री के पास क्या हुआ, सब वैद्य छोड़ दिए, कोई मकसद नहीं रहा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कोई सहारा न रहा, वो किसी के न रहे न वो हम किसी के हो पाए, कोई वैद्य कोई दवाई कुछ 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 नहीं। तब द इंटरवेंशन ऑफ गॉड कम्स, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, बट फॉर देम हु हैज द फेथ, बाय लिसनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय बिलीविंग। बिलीविंग इज एन एक्ट, वो बिलीव एक्ट करने के द्वारा जो फेथ आता है उसमें उनको मिरेकल हो जाता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंग, एंड दैट विल नॉट टेक यू टू हेवन, दैट वोंट टेक यू। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चंगाइयां प्राप्त किए होंगे लेकिन नर्क में जाकर बैठेंगे,
जस्ट बिकॉज दे मे थिंक दैट गॉड हैज डन समथिंग, दैट मीन्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर सोल, यू इन द किंगडम ऑन दिस अर्थ. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. अगर आपकी जरूरत है, अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ किया, तो आप समझो ना कि परमेश्वर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इज ए बिग थिंग नहीं है, इट इज समथिंग दैट गॉड हैज मेंट फॉर यू. यू मे मिस, यू मे नॉट मिस, ठीक है. सब कुछ लोगों को परमेश्वर चुनता है, कुछ लोगों को चुनाव देकर मौका देता है, ठीक है. तो जब हम इस जगह में हम देखेंगे अनॉइंटिंग जब हुआ, तो अभी यहां पर हमने क्या देखा, देखिए क्या होता है. देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, सिर पर उंडेला, और पवित्र आत्मा की उसने अपनी जिंदगी की बातों को नबूवत में उसने कहा जो उसको भी पता नहीं है. वो कैसा था उसमें लिखा, शाऊल के साथ जब ये चीज हुआ तो पागल हो गया था. दैट मीन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोफेसी दैट यू मे बी गिवन बाय लॉर्ड. बाय व्हाई? बिकॉज दैट इज द कंस्ट्रक्टिव वर्ड दैट यू आर स्पीकिंग फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर थिंग. लेकिन आप उसको जबरदस्ती करोगे, आप गुड थिंग्स बोलो, हाँ मेरी जिंदगी में ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, गुड थिंग्स हैपन्स, दैट्स ओके. ओके एक लेवल का मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की थिंग विल नॉट हैपन अंटिल अनलेस इट इज नॉट गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड. जो स्पिरिट का सोर्स है वही होगा, इसलिए नाश हो जाते हैं लोग. यहां पर मैं इस जगह में एक कहां पर तो लिखा है, मैं भूल गया. क्या हम मृतों के पास जाएं, ऐसा पूछता है, ठीक है. ओ कहां पर तो है, भूल गया. तो यहां पर है, तो मैंने वहां बताया, वहां कौन सा सिर और देह वाला है ना, वो कहां पर था, वो यशया 9:14, यशया 9:14. हाँ, तो 9:14 में क्या लिखा है, वहां लिखा है सिर और पूंछ दोनों को मैं काटूंगा, ठीक है, क्योंकि वो खोजते नहीं. सबसे पहली आज्ञा को तोड़ते हैं. यीशु ने वही बोला, सबसे पहले परमेश्वर राज्य धार्मिक खोज करो. अगर यीशु करके आपके कान में सुन लिए हैं, दैट मींस यू आर कॉल्ड फॉर अ पर्पस. अगर यीशु आपके कान में आ गया है, नहीं आया है, जंगल में आप हैं, तो आप प्रश्न पूछते रह जाओ, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, वो छोड़, वो अलग, दैट इज टोट, वो उसके लिए जवाब है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. लेकिन यदि आपने सुन लिया है, तो ये सुना है, किसने मेरा नाम लिया, हाँ किसने, किसने लिया, हाँ क्या कुछ चाहिए था क्या आपको, नहीं पूछते हैं क्या. जब आप यीशु आपका नाम ले रहा, तभी आपको यीशु सुनाई देगा, नहीं तो नहीं देगा. अगर सुनाई दिया है, उसके बाद आपकी परख चालू हो जाती है, और उसमें से आप सिर कैसे बनते हैं. यहां पर 15वां वचन, पुरन्य और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे. इतनी भयानक बात है झूठे भविष्यवक्ताओं का संबंध, क्या हो जाएंगे. फिर से पढ़ देता हूं, मैं कहीं अपनी दिमाग से निकाल के नहीं पढ़ रहा हूं. यहां पर, यहां लिखा है यशायाह के 9:14 में, इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ, खजूर की डाली और सरकंडे की को एक ही दिन में, खजूर की डाली मतलब ऊंचाई में, सरकंडे मतलब निचाई में पूंछ, तो दोनों एक ही दिन में काट डालेगा. बहुत सारे लोग कट गए हैं, बहुत सारे मिट गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा वैसा 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 बोल के खत्म हो गए. गलत शिक्षा, गलत बातें, बचेंगे नहीं. आपको कुछ हो भी जाए तो अब जिंदा है, तुम मर भी जाओ तो भी जियोगे, वो मर ही जाएंगे. यहां क्या लिखा, 15 में लिखा एक ही दिन में काट डालूंगा सिर को और पूंछ को. सिर हो करके खुश मत हो जाओ, तुम बिशप हो सकते हो, बड़ा बिशप हो सकते हो, और बड़ा कुछ हो सकते हो, बहुत पास्टर हो सकते हो, बड़े पास्टर हो सकते हो, एक राज्य के आदमी हो सकते हो, खुश नहीं होना. क्यों? क्योंकि एक ही दिन में काट डालेगा. ये परमेश्वर के लोगों की बात, कौन है ये लोग, पुरनिये जो बुजुर्ग हैं,
सफेद बाल वाले, ओ मैं बहुत एक्सपीरियंस ओल्ड पास्टर हूं विद द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड विद द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड दिस एंड दैट, बट इफ यू आर अ मैन हु विद अ रॉन्ग स्पिरिट, रॉन्ग इंटेंशन की बात छोड़ो, रॉन्ग इंटेंशन अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे शरीर भी हो सकता है, बट रॉन्ग स्पिरिट है तो तुम परमेश्वर के खिलाफ हो, लेकिन तुम हो अंदर में, तुम्हारे अंदर जलसी है, तुम्हारे अंदर में जलसी है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में, देन यू हैव अ रॉन्ग स्पिरिट। आज भी समय है, जा करके बदल लो, नहीं तो क्या लिखा, लिखता है पुरनी और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें, झूठी बातें भविष्यवाणी करने वाले नहीं वो बच जाएंगे, झूठी बातें भविष्यवाणी कर ले, कम से कम यीशु के पास जाकर पूछने का मौका, हे प्रभु हमने ये क्या तूने हमारे साथ किया, हम तो तेरे जी तेरे नाम से भविष्यवाणी है कि कम से कम भूलने का मौका मिलेगा। लेकिन इधर में झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूछ है, और क्योंकि इन लोगों को, जो इन लोगों को अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देंगे, स्ट्रे अवे हो जाएंगे, इन लोग बदल भटक जाएंगे, और जिनकी अगुवाई होती है, अगुवाई का मतलब क्या हुआ, दे विल स्टार्ट गाइडिंग, ब्रदर मैं क्या करूं, ब्रदर सिस्टर व्हाट आई थिंक इज लॉर्ड इज स्पीकिंग टू मी एंड लॉर्ड इज टेलिंग मी, लॉर्ड इज नॉट टेलिंग यू माय फूल पीपल, माय पीपल मतलब मेरे कैटेगरी के लोग, लॉर्ड इज नॉट टेलिंग, व्हाट यू आर टेलिंग इज अ रॉन्ग थिंग, Lord can tell, Lord may tell, but when you are doing a wrong thing in your heart, you are knowing that Lord is not speaking, and you are speaking, then you are making your God's people astray. God's people astray. वो भटका देंगे, और then क्या हो जाएगा उनका, वे नष्ट हो जाएंगे, नष्ट, रिश्ता चीजें बात पैसा और रुतबा महिमा ये नष्ट हो जाएगा भटका देने के कारण। इस कारण प्रभु ना तो इन जवानों से प्रसन्न होगा, ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तहीन और कुकर्मी और हर एक मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। क्या बोलता है मालूम है, मैं ये संदर्भ विषय जो बात कर रहा है तो एक चीज के बारे में बात कर रहा है जो हर वक्त लागू होगा, उस जमाने में, बीच के जमाने में, आज के जमाने के जमाने में, हर जगह लागू होगा। वहां क्या होता है, इस कारण प्रभु जवानों से प्रसन्न नहीं है, ओ तेरे को यहूदा का अभिषेक मिल गया, ओ लॉर्ड हैज अनॉइंटेड यू सिस्टर, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, देयर्स नथिंग लाइक दैट। अगर झूठा है तो, सच्चा है तो वहां पर दिखेगा ना, रिजल्ट दिखेगा ना, सच्चे भविष्यवक्ता की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइम पर पूरी होंगी, टाइम इज इंपॉर्टेंट। शैतान के आदमी की चीजें पूरी होंगी कभी कभी टाइम से, लेकिन सारी बातें नहीं, कुछ छूट जाएंगी, यहां सारी सारी बातें। तो यहां पूरे होने के कारण को भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्यवक्ता वो है जो कलीसिया को सही चीज को बताता है, कलीसिया मतलब आप और मैं, और सही चीज को बताता है और सच बोलने से नहीं डरता है। जब कभी कोई गलत हो वो जाकर खड़ा हो जाएगा यिर्मयाह की तरह, बोलेगा दिस इज रॉन्ग राजा, दिस इज रॉन्ग, राजा उसे जेल में डाल देगा, उससे दूरी बना लेगा। ठीक है, तो मेरा जो अभिषेक का दूसरा जो मकसद है उसको मैं बताता हूं इस जगह में, तो अगुवाई करेगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहां पर समझ कर चलिए कि भटका देना, गलत शिक्षा, ये सब चीजें हो रही है, अभी परमेश्वर का हाथ अभी भी बढ़ा हुआ है, बड़ा हुआ मतलब ऐसी स्थिति आएगी तो परमेश्वर हाथ बढ़ा हुआ रहता है, मतलब वहां दंड आता है, वहां परेशानी आती है, वहां मुसीबत आती है, और नष्ट तो आता ही है। इसीलिए हमको सावधान होना चाहिए कैसे स्पिरिट्स हैं, उनकी शिक्षा में परमेश्वर, एक बात बताइए, परमेश्वर ने शिक्षा देते समय भूल जाएगा क्या, मेरी शिक्षा मेरी यार उस दिन मैं बता रहा था, सॉरी आई वॉज टेलिंग समथिंग एंड ओ यू, मतलब आप अंडरस्टैंड न करके कंफ्यूज होना अलग बात है, क्योंकि सबको अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया गया। यीशु ने बोला ना,
सबको अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया गया, जिसको दिया गया उसी को समझ में आएगा, और जब उसको अंडरस्टैंडिंग आएगा उसी किसी कुछ समय के बाद दिया गया, किसी उसको दिया ही नहीं गया अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनका वो भाग ही नहीं है। तब यहां पर बोलता है, कहां पर बोलता है, तब परमेश्वर एक बात बताता है कि हाँ उसकी प्रभुता, वो आप निकाल कर देखिए मैंने क्या बोला, कहां पिछले बार मैंने बताया था एलिया, जब परमेश्वर ने उसको बोला था एलिया को कि जा एलिशा को तो अभिषेक करना, तो उसने क्या किया, फिर से एक बार उसको दोहराते हैं, ठीक है, वो क्या किया था एलिशा ने, तो वो है मेरे ख्याल से पहला राजा 19:16, पहला राजा 19:16, 19:16 उसमें बोला क्या बोलता है, तब इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते, वहां पर राजा किसको नियुक्त कर रहा था, शाऊल, इधर किसका राजा नियुक्त हो रहा बाद में, अबेआमेल को शापात के पुत्र एलिशा को अभिषेक करना, ठीक है, नबी होने के लिए अबामेल के शापात के पुत्र एलिशा, एलिशा को नबी होने के लिए नियुक्त किया, किसी को राजा होने के लिए नियुक्त किया, जब उसको नबी होने के लिए नियुक्त किया उसको उसने क्या किया, उसने बोला उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी, चद्दर का मतलब क्या होता है मालूम है, कंधा, यहां डालते हो उससे नहीं डालते ऐसा, चद्दर डालते किसी को शॉल उड़ाते कैसे, कंधे वी रेस्पेक्ट दम शॉल उड़ाते हैं, इसको वो पोस्ट दिया गया विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एलिशा नाउ इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग, वही चीज मैंने पिछला बताया था, यूहन्ना ने एलिशा का ही चद्दर को लेकर के वो अपने ऊपर डाला उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को। अब हम देखेंगे यीशु के बारे में थोड़ा सा, बस अभी खत्म होने ही वाला पांच मिनट में, यीशु के बारे में, यीशु के बारे में कहां लिखा है, यशया, यशया 9:14-16, अच्छे यशया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कहां होगी, प्रभुता उसके कहां होगी, कांधे पर होगी, सिर पर नहीं, सिर परमेश्वर है। कलीसिया इस बात को जान लो, यू कैनॉट बी द हेड, यू शुड नॉट यूज योर ब्रेन, रादर यू शुड लिसन what he plans and you should be ready to execute. You may think this is your head but this is actually body's part. ये शरीर का एक हिस्सा है, इसको यूज करने के लिए नहीं बोला परमेश्वर के काम करने के दौरान, उसको बोला सुनो इस हेड से, कैसे सुनोगे, यहां नहीं, आत्मा में, हार्ट में, बुद्धि यहां है, यहां से सुनना, यहां से नहीं, जब आपके यहां से सुनाई दे रहा बोलते हो, यहां दिखाई दे रहा जब बोलते हो, इसका मतलब है कि कोई दुष्ट आत्मा है, सपने दिखाई देंगे लेकिन यहां आप सपनों में आप, यू एज अ फुल पर्सन विल बी इन्वॉल्व्ड, यू मे थिंक यू आर सीइंग, ये यहां जब सोचते हो देखते हो ये कुछ मतलब का नहीं है, ये मिट्टी है, लेकिन जब आपकी आत्मा में स्वप्न आता है, और वो मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे स्वप्न है जो बहुत कम आते हैं और आते हैं तो बिना पूरा हुए नहीं रहे आज तक, क्योंकि आत्मा में, it's from the spirit, we have to be very careful, we have to be fearful also, and we thank God for that. यहाँ पर क्या बोलता है, बोलता है तुम्हें एक पुत्र दिया गया, एक बालक उत्पन्न हुआ हमारे लिए, उत्पन्न हुआ, याद रखिए अभी हुआ नहीं है यशायाह के समय में, लेकिन क्या लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, वो मैं बताया था पिछले बार, मैं पिछले बार कि हमारे लिए वध किया हुआ मेमना अलग किया गया, पुत्र जो पिता से उसका शब्द को अलग हुआ, वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे में, अनॉइंटिंग, ही इज क्राइस्ट द अनॉइंटेड, ऑन इस कांधे पर होगी, ठीक है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर,
अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर जब से दाऊद की राजगद्दी शुरू हुई तब से लेकर अनंत काल तक उसे संभाले रहे। क्यों संभालना पड़ रहा है? क्योंकि उसको गिराने के लिए इस संसार के अंत होने तक उसको संभालना ही पड़ेगा। उसका संभालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सब चीज होना शुरू हो जाएगी। तब तक इसराइल के खिलाफ में, दाऊद की गद्दी के खिलाफ में उल्टी सीधी बातें, यीशु के खिलाफ उल्टी सीधी बातें, बकवास बातें, इसका वो ऐसा, ये इंडिया से आया, बुद्ध से सीखा, इससे सीखे, सब फालतू बातें। स्वर्ग का परमेश्वर का, स्वर्ग का पुत्र हमें दिया गया, उसके कांधे पर होगी, और इसको समझना है। क्योंकि यर्मिया ने क्या किया, यर्मिया का जब हम जाकर देखेंगे, जहां पर यर्मिया में जो होता है उसने क्या किया, एक जुआ है ना, यर्मिया का एक अगर हम पढ़ें, तो मेरे पास वो है नहीं अभी फिलहाल, उसमें भी कांधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभिषेक करना, तो ये जाके उड़ाता है, वो जाके जब तेल डालता है तो पवित्र आत्मा से नबुवत करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है ऐसे किंग। अगर यहां होती तो मति भ्रष्ट होती नहीं ना, शाऊल भी अंत तक परमेश्वर के साथ ही बना रहता ना, वो परमेश्वर विरुद्ध जाते ही नहीं, जबकि उसका अंत कैसे हुआ, गलत तरीके से, उसने अपना सुसाइड किया, यही शाऊल अलग ही आदमी बन गया लेकिन सुसाइड किया। इसीलिए और बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मतलब अभी शुरू करूं तो फिर कब खत्म होगा। अब आखिरी बात, जब पवित्र आत्मा, अब हमको पवित्र आत्मा दिया गया, एक समय आया, अब हम विश्वास से पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा ऑलरेडी मंडरा रहा है, कहां, हम जब गाते हैं तब नहीं, हमारे आसपास इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को भेजा गया। एक रोकने वाला है एंटीक्राइस्ट को, उस झूठे मसीहा को रोकने वाला एक है, वो पवित्र आत्मा है, हम नहीं। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करवाएगा, हमारे द्वारा सब कुछ काम करवाएगा, हमारे द्वारा सब कुछ ये करवाएगा। और जो बहुत थोड़े हैं जो इसको समझते हैं और लोग अपनी बुद्धि से बोल देते हैं, परमेश्वर बोलता है कलीसिया मैं तेरा सिर और तुम मेरी देह हो। देह ये समझने के लिए, देह का मतलब सिर अलग कट गया ये अलग, ऐसा नहीं, समझने के लिए ही इज द हेड एंड वी हैव टू अबाइड व्हाट ही सेज। तो आपके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए, झूठी पवित्र आत्मा या झूठी आत्मा या कहीं और की आत्मा, रिलीजियस स्पिरिट नहीं होना चाहिए। तो वो आपके फलों से दिखना शुरू हो जाएगा, आपके अंत भी उसमें दिखेंगे और वर्तमान भी दिखेंगे, चुगली भी दिखेंगे, सारे चीज दिखेंगे। इसीलिए हमको सावधान होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है किंतु वे राष्ट्र का, कौन सा, यर्मिया 27:11, किंतु जो बाबुल के राजा के जुए को अपने कंधे पर रखेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे जीवित रहेंगे। दैट इज द अनॉइंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिफ्ट करना, और उन राष्ट्रों को उनके अपने देश में रहने दूंगा और बाबुल के राजा की सेवा करने दूंगा। यह संदेश यहोवा का है, उन राष्ट्रों के लोगों को अपनी भूमि पर रहने रहेंगे और उस पर खेती। परमेश्वर कभी कभी एक नेगेटिव स्थिति में भी अपनी योजना को पूरा करता है। हम उसको विरोध ऐसे थोड़ना होगा, यहां पर गुलामी की बात की जा रही है और परमेश्वर वहां इनको उन्नति की बात दे रहा है। लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग बोले ये क्या जिंदगी। अब बताइए यहां पर क्या हुआ, जो बाबुल के राजा के जीव को अपने कांधे पर रखेंगे परमेश्वर, इसलिए बोला, परमेश्वर बोला मेरा जुआ उठा लो, राजा का जुआ उठा लो, मेरा जुआ हल्का है। दैट इज द अनॉइंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिफ्टिंग। इसका मतलब कि सामर्थ्य नहीं उतरा, जरूर उतरा है, वो अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चर्च में ऐसा नहीं दिया जाता, टच करने से गिरने के द्वारा अनॉइंटिंग नहीं होता, अनॉइंटिंग, क्योंकि हमने गलत समझ लिया, तो गलत आत्मा ही करेगा। आप गिर गए तो बहुत खुश मत हो जाइए, आपकी जिंदगी में फिर नाश और नष्ट की बातें बहुत सारी आएंगी, पाखंड की बातें आएंगी। और सुभाष जी के एक बहुत पहले इन लोग का वो एक शब्द यूज करते हैं, क्या तो बोलते हैं इनका, ये चालू हो गया क्या, कर्म नहीं, कर्म कांड नहीं, कुछ तो कांड चालू हो गया बोलते हैं, है ना, जो कोई भी झूठा विश्वक्ता आता नहीं, नरेंद्र पास्टर आया हुआ था उस समय, है ना, तब वो बोले थे यार इन लोग का ना पाखंड, कुछ तो बोलते, एक शब्द था, तो वो रहता है वो वाला। परमेश्वर की कलीसिया सिर को फॉलो करें, लेट हिम बी द हेड
लेट हिम स्पीक टू यू, लेट हिम गाइड यू एज अ चर्च, यू डोंट बिकम योर चर्च हेड, यू डोंट बिकम। अगर आप हेड बन जाएंगे शैतान घुस जाएगा, वहां नफरत चीजें, गंदी चीजें, बुरी चीजें, गलत आदमी और ये सब चीज हो, ठीक है। तो और आखिरी बात, मैं आखिरी टाइम ले रहा हूं, यीशु को जब अभिषेक के रीति से पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ था, हम पिक्चर में देखो, पिक्चर को ही लेके चलते हैं फिलहाल। यीशु का जीसस फिल्म में पवित्र आत्मा आया और कांधे में कबूतर को बैठाया। अभिषेक कहां आता है? ये मेरा अभिषिक्त है, ही इज माय अनॉइंटेड सन। कबूतर कहां बैठेगा? सिर में बैठेगा, पॉटर को, पॉटर को, कबूतर की नाई उतरा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अरे तुम्हारे कांधे पे बहुत बोझ है यार, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अभिषेक वो है। तब पवित्र आत्मा आपसे बात क्यों करेगा? जब आप समझोगे कि अनॉइंटिंग क्यों चाहिए, आपको क्यों चाहिए मालूम है? ओ जा, सब गिर जा, आज गिर जाओ, पीछे गिरा, इधर जाओ, इधर जाओ, ऐसा करो ऐसा। अरे ये सब कौन सा खेल चल रहा है? ये हमारा अनॉइंटिंग होता है, साथ को जाकर पीछे कान यहां पर विजिबल करके एक जगह ग्लैंड है, इसको आप टच करोगे तो सेंस होता है, फिर उसके बाद गिर जाओगे, थोड़ा सा प्रेशर दिखता नहीं है। ओ, पानी उठाने वाला एक जगह जाकर थोड़ा सा घुमाता है ना, तो बहुत घूमता हो ग्रेविटी पानी के, अगर जगह जगह होता है वैसा, ये भी वैसा ही होता है। अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो कोई आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता। ऐसा हुआ कुछ लोगों को, फिर दवाई देने के बाद ठीक हुआ। जिसका कान से सर्दी निकलता है, बहता है, उनके प्रॉब्लम आ जाता है फिर बाद में, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। वैसा ही अनॉइंटिंग इज नॉट फॉलिंग, वो डिलीवरेंस हो सकता है। डिलीवरेंस में गिरते हैं, दुष्ट आत्मा निकलता तो गिरता, पवित्र आत्मा से गिरेंगे क्यों? परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने, जीवन देने और आपको सामर्थ्य देने आए, गिराने के लिए नहीं। परमेश्वर वचन भाषा।